तो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों? सब कुछ ठीक है सर? हाँ जी सर, आज आज क्यों आए हो आप? देखो, आज मैं आपके पास आया हूँ बच्चे, एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर पढ़ाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा समय हम यूज नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। आज जो चैप्टर मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग सर, ये क्या होता है? देखो, इस चैप्टर में दो चार अच्छे अच्छे वर्ड है बच्चे, अगर वो वर्ड समझ में आ गया तो चैप्टर तो फिर बच्चे का खेल है, फिर कुछ चैप्टर में बचता नहीं है। आई जरा मैं आपके साथ क्या करूं, उन्हीं वर्ड्स पे मैं आपकी मास्टरी कराऊं। एक बार मास्टरी, फिर चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ना मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे और दिमाग मेरे साथ ही चलेगा। मैं कुछ शब्द आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपका लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल, आप लिखेंगे यहाँ पे, कहता कि मान लो एक लिमिटेड ने, एक लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स टू पब्लिक। इस कंपनी ने क्या किया जी, 5 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किया। अब इनको डर लगा कि अगर मान लो 5 लाख शेयर्स इशू करते हैं जी पब्लिक को, और लोगों ने अगर शेयर्स नहीं परचेज किया तो फिर क्या होगा? आपने तो पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है उसका 90% जो होता है वो लोगों को परचेज करना पड़ेगा, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करे। अगर 90% भी सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर कंपनी को पूरे शेयर्स के पैसे वापस करने पड़ते हैं, फिर कंपनी शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती। ये बात आपको पता है? हाँ सर, ये तो हमने पता पहले से पढ़ा हुआ है। तो आप देखो ना, यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो रही है बच्चे। अगर ये कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, मान लो कहता है कि ऑफ ₹10 इस 10 रुपये वाले, और लोगों ने क्या क्या शेयर्स नहीं परचेज किया, तो फिर कंपनी कैसे काम करेगी? पैसे कहाँ से आएंगे? काम कैसे चलेगा? कंपनी बड़ी कैसे होगी? हाँ सर, ये तो बात ठीक बोल रहे हो, फिर क्या करें? देखो, एक बड़ा अच्छा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, मार्केट में कुछ बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है। मान लो वो बड़े लोग A, B और C है, मान लो, मानने में क्या जाता है। इस कंपनी ने क्या किया जी, 3 लोगों को पकड़ा और कंपनी ने कहा कि देखो जी, शेयर्स बेचने जा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि मैं भी बेचती हूँ, आप भी बेचो। जितने शेयर्स लोगों ने परचेज कर लिया वो तो ठीक है, जिन शेयर्स को लोगों ने नहीं परचेज किया उन शेयर्स को आप तीनों मिलकर परचेज कर लोगे, आप इस बात की गारंटी दो। देखो मेरे बच्चे, अगर ABC इस बात की गारंटी देते हैं कि शेयर्स चलो हम पब्लिक को बेचते हैं जी, आप भी बेचो हम भी बेचेंगे, अगर शेयर्स बिक गया तो ठीक है, अगर शेयर्स नहीं बिका तो उन शेयर्स को हम तीनों मिलकर परचेज कर लेंगे, अगर ये गारंटी इन्होंने दिया है बच्चे, इसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कुछ लोगों ने अंडरराइट किया है, गारंटी दिया है कि शेयर्स अगर ना बिके तो हम लोगों ने क्या करना, परचेज कर लेना बच्चे, इसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग। आपका कुछ भी नहीं है, हमें थोड़ी बड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन करना और काम खत्म करना है। आओ मैं पहले कुछ अच्छे अच्छे वर्ड का पहले आपको मास्टरी कराऊँ। देखो जरा इसमें क्या है, मान लो 5 लाख में ए ने कहा कि देखो जी, मैं 2 लाख शेयर्स बेचने की देता हूँ गारंटी, मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि 2 लाख शेयर्स मेरे हिस्से में बिकेंगे। बी ने भी गारंटी मान लो 2 लाख शेयर्स का दिया, मान लो क्या जाता है, और सी ने कहा कि ठीक है जी, मेरी गारंटी 1 लाख शेयर्स की रही, तो 2 लाख 2 लाख 1 लाख मिलके कितने हो गए सर, 5 लाख शेयर्स आपका। देखो, जितने शेयर्स बेचने की आप लोगों ने गारंटी दिया ना बच्चे, हम इसे कहते हैं आपका यहाँ पे इस चैप्टर में ग्रॉस लायबिलिटी। आपको शब्दों पे ध्यान देना है और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितने जितने शेयर्स बेचने की आप लोगों ने गारंटी दिया है उसको बोलते हैं आपका ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है ना सर? हाँ। अब देखो क्या हुआ, अब शेयर्स 5 लाख हमें किसको बेचना है, पब्लिक को बेचना जी। कहता कि कंपनी ने, कंपनी का मतलब क्या हुआ जी, एक लिमिटेड आपका, कंपनी यानी कि लिख दिया ब्रैकेट में एक लिमिटेड, कंपनी कहता है कि सोल्ड मान लो कहता है कि 1 लाख 80,000 शेयर्स टू पब्लिक। ध्यान देना, जब कंपनी गई मार्केट में पब्लिक को शेयर्स बेचने, तो 1,80,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को बेच दिया। मेरे बच्चे, जिन शेयर्स को कंपनी ने पब्लिक को बेचा वो कितना बता रहा, 1,80,000। यही नहीं, इन लोगों ने भी तो बेचा है, यानी कि ए ने, बी ने और सी ने भी कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचा। सर,
ये किनको बेचेंगे? अपने पहचान के लोगों को बेचे। आप बताओ एबीसी कौन है? ये बड़े बड़े लोग हम आकर के, इनके कुछ पहचान में भी लोग होंगे, कुछ क्लाइंट भी होंगे, कुछ दोस्त भी होंगे, कोई रिलेटिव्स भी होंगे। इन्होंने क्या क्या शेयर्स बेचा है उनको, कितना कितना? मान लो ए ने क्या किया, अपने दोस्तों को 80,000 शेयर्स बेच दिया। मान लो 80,000 शेयर्स, मान लो इन्होंने क्या किया जी, दोस्तों दोस्त भी तो पब्लिक ही होते हैं बच्चे, पब्लिक ही है। तो ए ने क्या किया, 80,000 शेयर्स बेच दिया जी पब्लिक को। बी ने क्या किया, 70,000 शेयर्स जाके अपने जो पहचान के लोगों थे, जो पब्लिक थे पहचान के, उनको बेच दिया। और सी ने मान लो 50,000 शेयर्स क्या हुआ जी, इन्होंने बेच दिया अपने पहचान के लोगों को, आपको यानी कि पब्लिक को। तो देखो आप बताओ जरा, कंपनी ने शेयर्स कितना बेच दिया? सर 1,80,000। जरा बताओ ए बी और सी ने मिलकर टोटल कितना बेच दिया? तो सर 80, 70, 50 मिलकर 2,00,000 शेयर्स होते हैं, यानी कि 2,00,000 शेयर्स ए बी सी ने बेच दिया जी पब्लिक को। आपका पब्लिक को याद रखना, ये सारे शेयर्स जो है ए बी सी ने किसको बेचे हैं? तो कहते हैं कि इन्होंने सोल्ड टू पब्लिक, पब्लिक को ही तो बेचा। आप समझते क्यों नहीं, दोस्त भी पब्लिक में ही तो आते हैं, कोई भगवान थोड़े होते हैं या कोई जानवर थोड़े होते हैं। तो एक्स ने जो पब्लिक को बेचा वो 1,80,000, आप लोगों ने जो पब्लिक को बेचा वो कहता है कि 2,00,000 शेयर्स का। मेरी बात सुनना, मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूँ, कुछ शब्द बच्चे। कहते हैं कि जिन शेयर्स को ए बी सी ने अपने अपने दोस्तों को बेचा है, अपने अपने दोस्तों को, इन शेयर्स को इस चैप्टर में हम कहेंगे आपका मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। याद देखना, जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने अपने अपने दोस्तों को बेचा है, हम उनको क्या बोलेंगे बच्चे? मार्क्ड, MARKED। मार्क का मतलब होता है कि ए ने जब अपने दोस्तों को बेचा था तो अपने दोस्तों को कहा था कि देखो जी, जब एप्लीकेशन भेजोगे ना तो लिख देना कि आप विथ रेफरेंस टू ए हो, यानी कि ए ने आपको रेफरेंस दिया है, मैंने बोला है, मैंने आपको कन्विंस किया है। तो ये क्या होगा जी, ए के नाम से मार्क हो जाएगा कि हाँ भैया ये शेयर्स ए के हिस्से में बिके हैं। ध्यान देना, ए ने कितना बेचना था? 2,00,000। तो कहता कि एक हिस्से में कितना बिक गया आपका? 80। बी ने भी जब अपने दोस्तों को बेचा तो कहा कि काम करना, जब आप एप्लीकेशन भेजोगे कि शेयर्स मुझे चाहिए, तो आप लिख देना कि बी ने रेफरेंस आपको दिया है। और इसी तरीके से सी ने बेचे। तो ध्यान देना, जिन शेयर्स को ए बी सी ने बेचा पब्लिक, उसको क्या बोलेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड, मार्क किया आपका। अरे हाँ, कुछ शेयर्स तो पब्लिक को कंपनी ने भी बेचा है मेरे बच्चे। जिन शेयर्स को पब्लिक को कंपनी बेचेगी, उन शेयर्स को बोलते हैं आपका अनमार्क्ड, उनको हम बोलते हैं आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड। अनमार्क का मतलब होता है कि उन एप्लीकेशन पे किसी भी अंडरराइटर्स का नाम नहीं लिखा हुआ। आप देखो ना, कोई बड़ी बात थोड़े सिखा रहा हूं। अरे जो जिस पे अंडरराइटर्स के रेफरेंस लिखे उसको हम क्या बोलेंगे? मार्क्ड। जिसको कंपनी ने बेचा वो तो कंपनी ने बेचा ना बच्चे, वो थोड़े ए बी सी ने बेचा है, तो उन पे किसी का नाम मार्क नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे? अनमार्क्ड, अनमार्क्ड, UNMARKED, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आपका बात समझ में आ रही है? सर हाँ सर, समझ में आ रही है। अब देखो मेन मुद्दा क्या है, मुझे बताओ। यहाँ पे टोटल शेयर्स जो बिकने थे, टोटल शेयर्स जो बिकना था जी आपका, टोटल शेयर्स टू बी सोल्ड कितना बेचना था बच्चे? तो सर 5,00,000। देखो 5,00,000 शेयर्स टोटल यहाँ पे बिकने थे बच्चे, 5,00,000 शेयर्स आपका। मुझे बताओ 5,00,000 में जो शेयर्स हम बेच चुके, शेयर्स जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, ऑलरेडी जो सोल्ड हो चुका, जिन शेयर्स को हमने बेच दिया, किसने बेचा? या तो सोल्ड बाई आपका यहाँ पे कंपनी हो जी, चाहे वो कंपनी ने बेचा, और चाहे वो बेचा अंडरराइटर्स ने, अंडरराइटर्स ने, मतलब चाहे वो मार्क्ड हो चाहे अनमार्क्ड हो। जरा बताओ कितने बिक गए? तो सर 1,80,000 तो आपने बेच दिया, 180,000 बेच दिया कंपनी ने, और अंडरराइटर्स ने बेच दिया 2,00,000 आपका, 2,00,000। तो जरा बताओ मुझे कि टोटल शेयर्स कितने बिक गए? सर 3,80,000, 3,80,000। देख रहे हो आप, यहाँ पे 5,00,000 कंपनी ने शेयर्स बेचने थे, चाहे शेयर्स कंपनी ने बेचा, चाहे बेचा अंडरराइटर्स ने, टोटल शेयर्स कितना बिक गया? 3,80,000 आपका। आप बताओ ना कि 5 में से अगर 3,80,000 शेयर्स बिक गए हैं, तो अभी कमी कितने की है? अभी कमी कितने की है? सर 5,00,000 में 3,80,000 बिका, तो अभी जो कमी है वो आपका कितना आ गया जी? 5 - 3,80,000 आपका 1,20,000, 1,20,000 शेयर्स आपका। मेरे बच्चे ये 1,20,000 शेयर्स का जो शॉर्टफॉल हो रहा है, शॉर्टफॉल, ये शॉर्टफॉल जो आ गया, मतलब जो शेयर्स नहीं बिके जी, शॉर्टफॉल का मतलब क्या हो गया? अनसोल्ड शेयर्स, अनसोल्ड शेयर्स, जो शेयर्स कंपनी का बेचना था बट नहीं बिका,
ये शेयर्स कौन परचेज करेगा? हो, लिख दो, हो विल परचेज, हो विल परचेज, कौन परचेज करेगा? कौन का मतलब क्या, किसको परचेज करना था जी? ए ने, बी ने और सी ने। तो ये 1,20,000 शेयर्स कौन परचेज करेगा, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और कुछ नहीं है। एक बार दोबारा देखिए, 500,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है। इन तीनों को कहा था कि आप तीनों मिलकर गारंटी दो। ए ने कहा कि मेरी गारंटी 2,00,000 का है, आपका 2,00,000 का, आपका 1,00,000 का, टोटल कितना हो गया 500,000, जितने का शेयर्स बेचना था। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अब जब शेयर्स बेचना शुरू किया तो पब्लिक को एक्स ने कितना बेच दिया, 1,80,000, और जिन शेयर्स को आपने बेच दिया वो कितना हो गया जी आपका 2,00,000। तो 2 और 1,80,000, 3,80,000 तो बिक चुका है। टोटल 500,000 शेयर्स बिकने थे, तो 5 में 3,80,000 बिक गया, तो कमी कितने की आ गई, 1,20,000 अनसोल्ड शेयर्स आपका। ये शेयर्स कौन परचेज करेगा? कौन का मतलब कि ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, तीनों लेंगे, कितने कितने लेंगे, यही इस चैप्टर में हमें क्या करना है बच्चे, आपका निकालना है। तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा ये कहेगा जी आपका इस तरीके से, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसको हटा के मैं हटाता हूँ। आपने यहाँ लिखा हुआ था ना, कहता कि कैलकुलेट, बोलता है जरा बताओ, कैलकुलेट, कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सर ये नेट लाइबिलिटी क्या होता है? वही बच्चे, नेट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने परचेज करना है, जिनको अंडरराइटर्स ने खुद परचेज करना है, वो 1,20,000 शॉर्ट निकल के आया था, वो आपको निकालना कौन कितना कितना परचेज करेगा। टोटल शेयर्स टू बी सोल्ड आपका 500,000 था, शेयर्स ऑलरेडी सोल्ड आपका कितना, 3,80,000 हो गया जी। इसको माइनस करके जो शॉर्ट निकल के आएगा, शॉर्ट आपका आप, मतलब कि अनसोल्ड शेयर्स जो निकल के आया जी, कहते हैं कि अनसोल्ड शेयर्स आपका वो कितना निकल के आ गया बच्चे, 1,20,000। तो हमें यही पता करना है कि ये 1,20,000 शेयर्स कौन परचेज करेगा। इस 1,20,000 को हम कहेंगे यहाँ पे नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक्चुअली जरा बताओ ये 1,20,000 में इन तीनों को कितना कितना परचेज करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्रिएट कर लिया। आपने लिखा ना मेरे साथ, सर हाँ सर हमने लिखा है। एक लिमिटेड ने 500,000 शेयर्स इशू किया पब्लिक को, 10 रुपये वाले शेयर्स हैं। कहता कि इनके जो ग्रॉस लाइबिलिटी आपका है, मतलब जितने जितने की गारंटी दिया था वो इतना था जी, 1,80,000 शेयर्स पब्लिक ने बेच दिया, इतने इतने आप लोगों ने बेच दिए, कमी आ गई 1,20,000 का। ये 1,20,000 कौन कितना कितना परचेज करेगा वही इस चैप्टर में निकालना, पूरे चैप्टर में यही काम करना बच्चे, पूरे चैप्टर में। आप इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं इसका आंसर समझाता हूँ। और हाँ, हमने कहा कि जिन शेयर्स को कंपनी बेचेगी पब्लिक उसको क्या बोलेंगे, अनमार्क्ड, और जिनको आप लोगों ने ही बेचा जी पब्लिक उसको क्या बोलेंगे, मार्क्ड। ये ध्यान रखना, दोनों शेयर्स पब्लिक को बेचे गए, ठीक है ना सर? हाँ, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ, मुझे थोड़ा जगह बनाना है यहाँ पे। लो, मैंने इसको मिटा दिया क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं इसको हटाता हूँ जी, मैं इसको हटाता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा। मेरे से स्टार्ट करेंगे, ये रहा आपका सॉल्यूशन। लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टेटमेंट, आप लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, कुछ भी रटना नहीं है बच्चे, बस आपको समझना मेरी बात। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। नेट लाइबिलिटी यानी कि जो शॉर्ट एप्लीकेशन हो गया वो कौन कितना कितना परचेज करेगा बच्चे, वो हमें इस चैप्टर में आपको क्या करना, पता करना है। आइए जरा मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा कैसे निकल के आएगा। एक काम करो, आप यहाँ पर लिखो ए बी और सी का नाम। ए बी सी कौन है? सर ये अंडरराइटर्स है, ठीक बोला आपने। जरा बताओ इन लोगों ने कितने कितने शेयर्स बिकने की गारंटी दिया था? सर ए ने कहा था कि मेरी गारंटी 2,00,000 शेयर्स की है, बी ने भी गारंटी दिया था 2,00,000 शेयर्स का जी, और सी की गारंटी 1,00,000 शेयर्स की थी कि कोई बात नहीं चलो बेचो, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग खुद ले लेंगे, आपको चिंता नहीं करना। मैंने कहा था इसको क्या नाम बोलते हैं बच्चे, ग्रॉस लाइबिलिटी। हम इसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी आपका, याद है ना बच्चों? अरे याद है ना सर? हाँ सर हाँ, आगे बोलो। अब देखो टोटल 500,000 आपका हो गया, अब देखो क्या होगा। कहते हैं कि 80,000 शेयर्स ए ने बेच दिया। मुझे बताओ अगर शेयर्स ए ने बेचा है तो इसका बेनिफिट ए को ही तो मिलेगा, यानी कि जिन शेयर्स को ए ने बेच दिया, जितनी आपने कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट में से बोलना कि आपका कमिटमेंट इतने से पूरा हो गया। यानी कि मैं क्या करूँगा, जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने खुद बेच दिया पब्लिक को आपका, जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने खुद बेच दिया जी, वो कितना 80,000।
अगर ए ने 80 बेच दिया तो ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, आपको 2 लाख बेचना था, 80 आपने बेच दिया तो आपकी लायबिलिटी 80 से कम होगी। आपने 70 बेचा है तो 2 लाख की गारंटी आपने भी दिया था, 70 बेच दिया तो 70 से आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई जी, और 50,000 से लायबिलिटी आपकी भी खत्म हो गई, ये काम पूरा आपका हो गया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, मुझे बताओ ये आपका यहाँ पे, चलो ये तो काम पूरा हो गया। अब देखो जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा है 1,80,000, अब देखो ये 1,80,000 भी तो बिक ही गया ना बच्चे, अगर कंपनी ने बेचा चाहे किसी ने बेचा। अब देखो ये जो 2 और 2 और 1 5 लाख के जो शेयर्स थे उनमें से उतने शेयर्स तो बिक ही गए। अरे 5 लाख शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को बेचना था, चाहे आपने बेचा चाहे कंपनी ने बेचा, शेयर्स तो बिक ही गए हैं ना। हमें तो जो नेट कमी आ रही थी, जो अनसोल्ड थे वो कौन कितना कितना परचेज करेगा वो निकालना है। तो पता मैं क्या करूंगा, जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा है ना बच्चे 1,80,000 शेयर्स आपका, इनका बेनिफिट मैं क्या करूंगा, तीनों में दूंगा, तीनों को बेनिफिट मिलेगा, तीनों को। सर कैसे मिलेगा, लिखो मेरे साथ यहाँ पे, जो अनमार्क्ड, अनमार्क्ड का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो होगा जी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इसका बेनिफिट जो होगा पार्टनर्स को मिलेगा, सॉरी अंडरराइटर्स को, किस रेशियो में, तो जिस रेशियो में आपने क्या किया था, गारंटी दिया था, आपकी गारंटी 2, आपकी 2, आपकी 1, तो क्या हो गया जी 2:2:1 के रेशियो में आप क्या करेंगे, इसको आप पूरा करेंगे। आपका बात समझ में आ रही है यहाँ पे आपका? अरे बात समझ में आ रही है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि अगर मान लो कि आपके 5 लाख में से 1,80,000 और 2 लाख शेयर्स बिक गए तो कमी कितनी आई थी, कमी सर आ रही थी आपका 1,20,000। ये 1,20,000 शेयर्स कौन परचेज करेगा, हमें वो निकालना। हमने कहा कि ठीक है जी, आप तीनों ने मिलकर गारंटी हमें 5 लाख का दिया था, मैं लिख देता हूँ, इसको आप मत लिखना, आप यहाँ देख लो ना, 5 में से आप लोगों ने क्या किया जी, 2 लाख शेयर्स बेच दिया, और 5 में से 1,80,000 शेयर्स कंपनी ने बेच दिया, तो 5 में 3,80,000 शेयर्स तो बिक गए ना बच्चे। जो कमी आ रहा है 1,20,000 शेयर्स, वो कौन कितना कितना परचेज करेगा, बस हमें वो निकालना है। तो मैंने क्या किया, जिन शेयर्स को आप लोगों ने बेचा उसका बेनिफिट मैंने आप लोगों को दे दिया, और जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा था 1,80,000 उसका बेनिफिट क्या होगा जी, तीनों को दिया जाएगा आपके ग्रोस लायबिलिटी के रेशियो में। तो चलो बताओ कितना कितना निकल के आ जाएगा सर, 1,80,000 को डिवाइड बाई 5 करो इंटू आपका 2, तो सर यहाँ हो गया 72,000, यहाँ कितना हो गया 72,000, और जरा बताओ यहाँ कितना हो गया सर 36,000 का, 36, गंदा ना लगे इसलिए मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि आप इस बात को समझ चुके मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखो ना, कितने अच्छे शब्दों में आपको बताऊँगा, काम हमारा पूरा हो चुका है। देखो ए ने 2 लाख शेयर्स बिकने थे, ए के हिस्से में 2 लाख शेयर्स बिकने थे, 80 उसने खुद बेच दिया, और जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा है उसमें से भी 72,000 हमने आपके हिस्से में मान लिया कि आपके हिस्से में बिका है। देखो कितना अच्छा वर्ड दे दिया मैंने, कि 2 लाख में 80,000 शेयर्स तो ए ने खुद बेचा, तो वो 2 लाख में से 80 हम आपके हिस्से का ही मानेंगे, आपने जो बेचा वो हम आपके हिस्से का मानेंगे, और आपने जो बेचा वो आपके हिस्से का मानेंगे। इसके बाद जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा है उनका बेनिफिट हमने क्या किया, तीनों में डिवाइड कर दिया उनके ग्रोस लायबिलिटी के रेशियो में आपका। तो जरा चेक करो अब क्या निकल कर रहा, मेरा फिर से सुनना इंटरप्रिटेशन यहाँ पे, ए ने 2 लाख शेयर्स बेचना था बच्चे, 2 लाख में से 80 उन्होंने खुद बेच दिया, और जो कंपनी ने बेचा उसमें से भी 72,000 का बेनिफिट आपको मिल गया। तो अभी भी इतने बिक जाने के बावजूद अभी कमी आ रही है 48,000 का, यानी कि 48,000 शेयर्स अभी आपके हिस्से में शॉर्ट पड़ रहे हैं। एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे जी, आपको 2 लाख शेयर्स बेचने थे, आपने यहाँ पे कितना हो गया 142, 2 लाख में से आपने क्या किया 142 शेयर्स बिक गए, तो आपके हिस्से में 58,000 शेयर्स की कमी आ रही है यहाँ पे। और जरा बताओ यहाँ कितना हो गया, तो सर यहाँ पे आपका 1 लाख में से 86,000 बिक गया, तो कमी कितने का आ गया जी 14,000 शेयर्स का आपका, 14,000 का। मेरे बच्चे इन्हीं को कहा जाएगा इस क्वेश्चन में नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी, बात खत्म हो गई। नेट लायबिलिटी का मतलब होता है, नेट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को बेचने की आपका जो आप सॉरी जिन शेयर्स को आप लोगों ने खुद परचेज करना पड़ेगा। देखो जरा आपको शॉर्ट कितना पड़ा था 1,20,000 ना बच्चे, एक बार चेक करो 48 + 58 + 14,000 कितना होता है, एक बार जरा चेक करना, तो 48,000 ये प्लस आपका 58,000 प्लस आपका कितना जी 14,000,
ये आ गया बच्चे 1,20,000, निकल गया, काम खत्म हो गया। वो जो 1,20,000 शेयर्स की जो कमी आ रही थी, उन 1,20,000 में से आपको परचेज करना पड़ेगा 48, आपको परचेज करना पड़ेगा 58 और आपको परचेज करना पड़ेगा 14,000। इतने इतने शेयर्स परचेज करने होंगे, काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? सर इस पूरे चैप्टर में यही करना है? हाँ बच्चे हाँ, और कुछ करना ही नहीं है। नेट लायबिलिटी जो शॉर्ट फॉल हो रहा है, उन शॉर्ट फॉल में आप लोगों को कितना कितना परचेज करना होगा वही बस निकालना आपने, ठीक है ना? अच्छा सर और कुछ नहीं? हाँ एक चीज़ और होगा, चलो वो चीज़ हम आगे देख लेंगे, पहले आप यहाँ तक ही कॉपी करो। मैंने कुछ आपको नया थोड़े बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अनमार्क का मतलब क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, नेट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। काम खत्म हुआ, मैं इसको मिटाऊंगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, अब आगे की बात आप ना सुनो तब भी घर में आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर जाओगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। कहा तो था मैंने छोटा सा चैप्टर है, चलो कोई बात नहीं, जब आप आ ही गए हैं तो मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, इतने दूर से आप आए हैं, ठीक है ना सर? हाँ सर कराओ कराओ सो प्रैक्टिस, क्या कराना चाहते हो? आओ जरा मैं आपके बुक में आता हूँ, आप जरा चेक करो अंडरराइटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 आपका, एक बार चेक करें क्वेश्चन नंबर 1। ये CA इंटर में कभी क्वेश्चन आया था, आपको हैरानी होगी कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप जरा आ जाओ अपने बुकलेट का, आप चेक करेंगे चैप्टर अंडरराइटिंग है, और मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर वन का। मेरी आदत है जब भी कोई एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है मैं समय देता हूँ पढ़ने के लिए और क्वेश्चन को शॉर्ट करता हूँ। देखो जरा कैसे। कहता कि एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2000। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कि कमेंसमेंट, मतलब उस दिन से उन्होंने काम शुरू किया जी, नई कंपनी है, काम शुरू किया। इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5,00,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये वाले। ओहो, कहता कि कंपनी जो नाम है आपका जी एक्सपोर्ट लिमिटेड, मैं क्वेश्चन शॉर्ट कर रहा हूँ फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। ये कहता कि इन्होंने इशू किया है, इशूड कितने, कहता कि 5,00,000 इक्विटी शेयर्स, 5,00,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने क्या किया है आपका इशू किया बच्चे, 5,00,000 शेयर्स आपका। कहता कि ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले हैं, ऑफ ₹10 ईच, और कहता है कि एट प्रीमियम ऑफ 10%। आप बताओ ना कि 10 रुपये का 10% कितना होता है? सर 1 रुपया। तो प्रीमियम ऑफ ₹1 करूँ तो कोई टेंशन तो नहीं होगा? नहीं सर, कौन सा टेंशन आपका है। कंपनी ने क्या किया, 5,00,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपये वाले, कहता है कि एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर आपका। आगे पढ़ना जरा क्वेश्चन, आगे पढ़ना। कहता कि होल इशू वॉज फुली अंडर रिटन बाई कपूर भोरा दलाल एंड मेहता। ओह ये कैसे कैसे नाम है, बट नाम से क्या जाता बच्चे, नाम से क्या लिखो ना जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक कपूर है, एक कहता है कि भोरा है, एक कहता है कि भोरा है, एक कहता है कि दलाल है, और एक कहता है कि मेहता है। चार लोग हैं। इन चारों ने क्या किया जी, शेयर्स अंडरराइट किया। जरा चेको कितने करो कितना। कपूर कहता है कि मैं अपने हिस्से में देता हूँ गारंटी 2,00,000 शेयर्स बिकने की। भोरा कहता है कि मेरी गारंटी भी 1,50,000 शेयर्स बिकने की है। दलाल कहता कि मैं गारंटी देता हूँ जी 1,00,000 शेयर्स बिकने का। और मेहता कहता कि मेरी भी गारंटी 50,000 शेयर्स बिकने की है। मेरे बच्चे ये जो गारंटी है ना, जितना आप लोगों ने दिया है, आप भूल गए ना मैंने क्या बताया था? अरे आप भूल गए ना बच्चों। नहीं सर नहीं, कहाँ भूला, अभी तो पढ़ाया था। ग्रॉस लायबिलिटी कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो आप? हमें पता सर इसको ग्रॉस लायबिलिटी कहते हैं। आप आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है। आप बताओ ये 2, 1.5, 1 और 50 मिलके कितने हो गए? 5,00,000 शेयर्स जितना इशू किया गया था बच्चे, उनकी गारंटी थी आपका। कहता है ध्यान से पढ़ना, एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 4.5 लाख शेयर्स। ये लो, कहता है कि जो टोटल एप्लीकेशन आपके पास आए हैं, वो कहता है कि 4,50,000 शेयर्स के हैं बच्चे। 4.5 लाख शेयर्स हमारे पास क्या हुआ जी, इनका एप्लीकेशन आया है फ्रॉम पब्लिक। टोटल एप्लीकेशन इतना जो आया है फ्रॉम पब्लिक, जो आपका है पब्लिक से, ध्यान रखना पब्लिक से, वो कितना मेरे बच्चे 4.5 लाख, ठीक है ना? अब देखो ना क्या बता रहा, आउट ऑफ विच, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड क्या बोला था मैंने, मार्क का मतलब होता है जिन शेयर्स को आप लोगों ने बेच दिया। चेक करो, कहता है कि भैया 4.5 लाख में से जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क्ड
एप्लीकेशन वो कितना निकल के आएगा जरा चेक करो जी, 2, 20, 90, 1, 10 और 10 कितना हो गया सर, 2, 20, 90, 3, 10, 4, 10, 4, 20, 4, 30 4,30,000 मेरे बच्चे, 4,30,000 शेयर्स इसमें से जो है वो चारों अंडरराइटर्स ने क्या किया, बेच दिया आपका, इतना शेयर्स बिक गया आपका, ठीक है ना। तो चलो बताओ 4.5 में 4:30 मार्क्ड है, तो बताइए अनमार्क्ड, अनमार्क्ड का मतलब हमने बोला था जिनको कंपनी ने बेच दिया पब्लिक को, कितना निकल के आ गया 20,000 शेयर्स का आपका, 20,000 शेयर्स बच्चे। कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर ये तो कॉमन सेंस है। अगर 4.5 लाख शेयर्स बेचने थे, 4.5 लाख शेयर्स बिके हैं पब्लिक को, उनमें से 4,30,000 कहता है कि मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क्ड, तो बाकी 20 क्या हो जाएगा, अनमार्क्ड हो जाएगा, जिसको कंपनी ने बेचा। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या बता रहा है, बोलता है कि इट इज अग्रीड दैट अंडरराइटर्स बी पेड कमीशन, सर ये कमीशन, हाँ बच्चे हाँ, आप बताओ क्या ये चार लोग जो है ये बेवकूफ है, क्या ये बेवकूफ दिख रहे हैं आपको, नहीं सर नहीं, ये बेवकूफ थोड़े होंगे। हाँ तो जरा बताओ कि कोई भी अंडरराइटर क्या फ्री में कह देगा कि हाँ जी आप शेयर्स बेचो, आप भी बेचो, मैं भी बेचता हूँ, मेहनत करते हैं, आप भी करो मैं भी करूँगा, और अगर शेयर्स बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो मैं परचेज कर लूँगा, क्या मैं ऐसे ही कह दूंगा बच्चे, क्या मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, नहीं सर नहीं, हम तो कमाने के लिए बैठे हैं। तो हाँ बच्चे ये जो गारंटी हमने दिया है ना, इस गारंटी के बदले में इनको कमीशन मिलता है, कमीशन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं अंडररिटिंग कमीशन, नाम तो सुना ही होगा, हाँ सर अंडररिटिंग कमीशन हमने सुना था। वो कमीशन कितना मिलेगा, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कहता है कि कमीशन 5% पे किया जाएगा इशू प्राइस पे, ठीक है 5% कमीशन इशू प्राइस पे। कहता है कि पढ़ो जरा, यू आर रिक्वायर्ड क्या करना जी, फाइंड आउट लाइबिलिटीज ऑफ अंडररिटर्स, आपका जो ये अंडरराइटर्स हैं उनको जरा बताओ उनकी लाइबिलिटी कितनी कितनी बनेगी, और कहता है कि आप एंट्रीज भी पास करो, एंट्रीज भी हम सब देख लेंगे, सब कोई बड़ी बात नहीं है, हमें समझना है। पहले मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे जरा बताओ, 5 लाख टोटल शेयर्स बिकने थे, 5 में से बताओ शेयर्स बिक कितने गए सर, 4.5 लाख, 5 में से कितना बिक गया, 4.5 लाख, तो बताओ कमी कितने की आ रही है, 50,000 की। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि 50,000 शेयर्स आखिर जो चार अंडरराइटर्स हैं उनमें से कौन परचेज करेगा और कितना आपका। हमने अभी दिखाया था आपको कैसे काम करना था जी, आइए जरा वही काम करते हैं। लो मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे साथ शुरू करेंगे। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ये क्लियरिटी लाता क्वेश्चन का। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन, एग्जाम में आपको ये नहीं करना, आप चाहो तो इसको रफ में कर लेना, वर्किंग में कर लेना, बट सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखे सोल्यूशन, आप लिखेंगे मेरे साथ सोल्यूशन यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ आपका नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, जो आपके अंडरराइटर्स हैं आखिर उन अंडरराइटर्स का नेट लाइबिलिटी कितना बनता है, उस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे जी, पता करेंगे। जरा बताओ नाम बताओगे सर, हाँ एक है यहाँ पे कपूर, दूसरा कहता है कि सर यहाँ पे भोरा है, तीसरा कहता है कि यहाँ पे दलाल है, और मेरे बच्चे चौथा कहता है यहाँ पे आपका मेहता है। चार पार्टनर्स यहाँ पे हैं, हमने क्या किया चारों का नाम लिख दिया, दिख रहा है आपको ना सर, हाँ जी पक्का दिख रहा है सर, हाँ जी सर आगे बढ़ो। मुझे बताओ इन चारों की जो ग्रॉस लाइबिलिटी है, मतलब जितने जितने शेयर्स बिकने की इन लोगों ने गारंटी दिया था वो कितना था जी। सर कपूर ने कहा था कि 2 लाख शेयर्स बिक जाएंगे, हम इसकी देते हैं गारंटी। भोरा ने 1.5 लाख शेयर्स बिकने की गारंटी दिया था, दलाल की गारंटी कहता है कि 1 लाख शेयर्स बिकने की है, और मेहता ने भी कहा था कोई बात नहीं मैं भी देता हूँ गारंटी 50,000 शेयर्स बिकने की। ये गारंटी क्या बच्चे चारों ने दी हुई, बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है सर, हाँ जी सर, हाँ जी आगे बढ़ो ना, ये क्यों समझा रहे हो, ये तो समझा दिए, पूरे आधा घंटा आपने इसमें खराब कर दिया। आप मुद्दे पे आओ, अच्छा अच्छा माफ करो, फिर आप माफ करो, आप एक काम करो इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन, इसमें से काम करो जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मतलब जितने शेयर्स आपने बेच दिए 2 लाख में से उसका बेनिफिट इनको दो। जरा बताओ जी क्वेश्चन पढ़ के, कपूर ने कितना बेच दिया, 2,20,000, ओहो 2,20,000 शेयर्स इन्होंने क्या किया बेच दिया आपका, 2,20 आपका। सर कपूर ने तो ज्यादा बेच दिया, इनको 2 लाख ही बेचना था, 2,20 बेच दिया,
ये तो ज़्यादा बेच दिया, कोई बात नहीं बच्चे, झगड़ा क्यों करते हो, टेंशन ना करो, लिखो तो जो पहले बोल रहा है, बाद में सोच लेंगे ना। अच्छा बताओ भोरा ने कितना बेच दिया, 90,000, 90,000। अच्छा जरा बताओ दलाल ने कितना बेच दिया, 1,10। ओहो इसने भी ज़्यादा बेच दिया, 1 बेचना था, 1,10 बेच दिया, कोई बात नहीं। मेहता ने भी बेच दिया कितना आपका जी, 10,000, यहाँ पे 10,000 लिख दिया आप लोगों ने सर। हाँ अब मुझे बताओ ये तो मार्क्ड हुआ, सर आप देखते क्यों नहीं, 2,00,000 की इन्होंने दिया था गारंटी, 2,20,000 बेच दिया, ज़्यादा बेच दिया, क्या करें सर। अभी छोड़ो ना, क्यों सोच रहे हो, सोचने के लिए बोलूँगा ना, अभी लिखो तो जो पहले मैंने आपको सिखाया था, आप खामखा परेशान करते हो। आओ जरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, आओ जरा बात कर लूँ अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने बेचा था, सॉरी कंपनी ने बेचा था जी, जरा बताओ कंपनी ने कितने शेयर्स बेचे थे सर, 20,000 अनमार्क्ड। आप बताओ ये 20,000 का बेनिफिट किसको देंगे, सर चारों को देंगे, जिन शेयर्स को कंपनी ने बेच दिया उन शेयर्स का जो फायदा होगा, बेनिफिट होगा, वो चारों की लायबिलिटी को कम करने में यूज किया जाएगा। और हाँ किस रेशियो में जरा बताओ सर, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, मैं इसको नोट ग्रुप में लिखाऊंगा अभी, फिलहाल देखो जरा आपका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है, 4,3,2,1 है ना बच्चे, 4,3,2,1 में क्या करना है जी, जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा है उसका बेनिफिट क्या करो, चारों में डिवाइड करो आपका। तो चलो बताओ 20,000 का कितना हो जाएगा सर, इनके हिस्से में 8 हो गए, इनके हिस्से में सर 6 आ जाएंगे, इनके हिस्से में 4 आ जाएंगे सर, और इनके हिस्से में 2 आपके निकल के आ जाएंगे 2,000। आओ जरा अब मेरी बात सुनो, क्या निकल के यहाँ पर आता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेगा, बहुत ध्यान से ये देखो जरा बताओ कपूर, मेरी बात सुनना, बस मेरी बात सुनना, आप झगड़ा नहीं करना, सुनो पहले मेरी बात। जरा बताओ कपूर ने टोटल कितना बेचना था सर, 2,00,000 शेयर्स, लेकिन कपूर के हिस्से में टोटल बिक कितना गया, 2,28,000। ओहो ये तो ज़्यादा बिक गया, 2,20,000 आपने ही बेच दिया, प्लस जो कंपनी ने शेयर्स बेचे थे अनमार्क्ड उसमें से भी 8 का बेनिफिट आपके अकाउंट में दिखा दिया गया। तो चलो बताओ 2,00,000 बेचने थे, 2,28,000 बिक गया, कितना ज़्यादा बिक गया सर, 28,000 लिख दो पहले यहाँ पे कि 28,000 ज़्यादा बिक गया, ज़्यादा बिक गया बच्चे आपका। अच्छा बताओ भोरा ने 1,50,000 बेचना था, कितना बिक गया सर, 96,000। तो चलो बताओ 1,50,000 बेचना था, 96 ही बिका, कितने की कमी आ रही है सर, 54,000 शेयर्स की, भोरा में 54,000 शेयर्स की कमी आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी कमी आया बच्चे। चलो ठीक है, दलाल का देखो 1,00,000 ही बेचना था, 1,14,000 बिक गया, ओहो यहाँ भी 14,000 ज़्यादा शेयर्स बिक गए बच्चे इनके हिस्से में, इनको 50 बेचना था, 12 ही बिका है, इस बेचारे के अकाउंट में कमी अभी 38,000 का आपका, 38,000 का, 38,000 का। आप पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ, पहले कॉपी करो फटाफट, मैं थोड़ा चाय पी लूँ तब तक आपके साथ। पी लिया मैंने, अच्छी लगी आपको, हाँ जी सर आपको अच्छी लगी सर, हमें भी ठीक लगी, बट हमें तो सर पिया ही नहीं, कोई बात नहीं, आप समझो ना, मैं पीऊँ चाहे आप पीऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों एक ही तो हैं। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आप, मुद्दे पे आओ, ये देखो आप जरा बताओ यहाँ देख कर कि शॉर्ट कितने का था सर, 50,000, यानी कि हम लोग उस प्रोसेस में बढ़ रहे हैं जहाँ हमें पता करना कि 50,000 शेयर्स कौन परचेज करेगा। कंपनी के पास 5,00,000 रुपये, 5,00,000 में से 4,50,000 शेयर्स बिक गए बच्चे, सिर्फ 50,000 की कमी है, और कंपनी ने यह जानना है कि वो 50,000 शेयर्स कौन परचेज करेगा। आओ जरा एक बार यहाँ देखते हैं, मुझे बताओ क्या कपूर परचेज करेगा, नहीं सर नहीं, कपूर ने 2,00,000 का दिया था गारंटी और शेयर्स कितने बिक गए, 220, ज़्यादा बिक गया, ये नहीं परचेज करेगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या दलाल परचेज करेगा, नहीं सर, दलाल के हिस्से में भी ज़्यादा बिक गया, तो फिर कौन परचेज करेगा सर, भोरा को परचेज करना पड़ेगा और मेहता को परचेज करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन जरा चेक करो कि भोरा और मेहता का दोनों जो आपने शेयर्स निकाला वो दोनों ऐड करके शेयर्स बनते कितने हैं, तो सर 54,000 यहाँ पे भोरा के हैं और 38,000 यहाँ पे आपका, सॉरी 54,000 भोरा के, 38,000 आपका यहाँ पे मेहता के, सर ये 92,000 शेयर्स आ गए, 92,000, मेरी बात समझो 92,000, यानी कि इन दोनों से 92,000 शेयर्स को आपको कहना होगा परचेज करने के लिए, कहना होगा ना, क्योंकि वही निकल के आज सर, हाँ वो तो कहना होगा, लेकिन बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ, क्या कंपनी को 92,000 शेयर्स चाहिए,
क्या 92,000 शेयर्स की कमी हो रही है? नहीं सर, नहीं, कंपनी को सिर्फ 50,000 शेयर्स का पैसा चाहिए, 50,000 का। तो 92,000 का क्यों डिमांड कर रहे हो? सर ये दोनों में फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके हिस्से में कुछ ज्यादा शेयर्स बिक गए बच्चे, ज्यादा शेयर्स। ये देखो इन्होंने 28, इन्होंने 14, यानी कि 42,000 शेयर्स ज्यादा बेच दिया है इनके अकाउंट में। फिर पता क्या करना होगा? अगर मुझे सिर्फ 50 को पता करना है ना, तो जिनके अकाउंट में ज्यादा शेयर्स बिक गए हैं इनका बेनिफिट भी इन दोनों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर किसी अंडरराइटर ने ज्यादा शेयर्स बेच दिया है तो उनके अकाउंट में बिके हुए ज्यादा शेयर्स का जो बेनिफिट होगा वो दूसरों के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है? ठीक उसी तरीके से जैसे जिन शेयर्स को कंपनी ने बेचा था, कंपनी ने उसका बेनिफिट हमने चारों को ट्रांसफर किया, चारों को दिया, उसी तरीके से अगर किसी के हिस्से में ज्यादा शेयर्स बिक गए हैं तो उनका बेनिफिट क्या करना होगा जी? बाकी लोगों के बीच में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कि इस बार एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा और उस स्टेप में हम क्या बोलेंगे जी? सरप्लस ऑफ किसका? एक तो कपूर के हिस्से में जो ज्यादा बिक गया, एंड कौन है जी यहां पे आपका? दलाल। तो सरप्लस ऑफ कपूर एंड दलाल जो आपका होगा ये आपका ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू किसको मेरे बच्चे? भोरा को और मेहता को। आपका ट्रांसफर टू भोरा एंड मेहता इनके बीच में ट्रांसफर करना होगा। सर किस रेशियो में? बोलो ना। तो इन द रेशियो ऑफ मेरे बच्चे अगेन ग्रॉस लायबिलिटी। जितने भी काम करने हैं आपको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही करने हैं, बट क्योंकि भोरा और मेहता का ही नाम है तो भोरा का रेशियो हो गया 15 और मेहता का 50, यानी कि 3:1। आपको 3:1 में क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा। आई बात समझ में सर? हाँ चलो बताओ कि 28 यहाँ से हटाओ जी, ये 28 हमने प्लस करके हटा दिया और यहाँ से हमने कितना हटा दिया? 14,000 आपका, 14,000। चलो बताओ 28,000 प्लस 14,000 कितना हो गया? सर ये हो गया 42,000। आप एक काम करो, ये 42,000 इनके बीच में ट्रांसफर कर दो, रेशियो क्या होगा? 3:1। तो 42,000 का इंटू 3 डिवाइड बाई आपका 4, ये आ गया बच्चे 31,500 आपका, 31,500। और आप जरा चेक करो इनमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,500 आपका, 10,500। आप चेक करते हैं क्या निकल के आता है। देखो लिखना कम, मेरे शब्दों को ध्यान देना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ देखो मैंने कैसे बताया, यहाँ देखो क्या बताया, ये 28 तो नील हो गया बच्चे, इनका ख़त्म। यहाँ सुनना भोरा के बारे में, 1.5 लाख शेयर्स इनको बेचना था, 1.5 लाख में 90 आपने खुद बेच दिया, जो कंपनी ने बेचा उसमें से 6,000 का हमने बेनिफिट दिया जी, तो भी आपको 54,000 शेयर्स परचेज करना था, लेकिन क्योंकि कपूर ने और दलाल ने ज़्यादा शेयर्स बेच दिए हैं तो उनके अकाउंट का बेनिफिट भी हम आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 50,000 की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया जी, उनका ऐड किया और आपने 3:1 के रेशियो में ट्रांसफ़र किया। अब देखो 54 में 31,500 और हटा दो, कितना निकल के आ गया? सर ये आप देखो ना, 54,000 में अगर मैं यहाँ पे 31,500 हटा दूँ तो सर ये 22,500 आ गया। लिखिए यहाँ पे 22,500 आपका, ये तो नील हो चुका है जी, ज़्यादा बिक चुका था। यहाँ कितना हो गया बच्चे आपका? तो 38,000 में हमने 10,500 हटा दिया तो कितना हो गया आपका? 27,500 आपका, 27,500 ये हमारा हो गया यहाँ पे आपका नेट लायबिलिटी। ये देखो आप, अब समझ में आ गया 22,500 और 27,500 कितना हो गया? सर 50,000। कमी कितने की थी? 50 की। काम पूरा हो गया आपका, काम पूरा हो गया ना बच्चे? सर हाँ, हमने देखो 22,500 और 27,500 मिलकर कितना हो गया? 50। यही आपका बन गया यहाँ पे नेट लायबिलिटी आपका, नेट लायबिलिटी। यानी कि इन शेयर्स को आप लोगों को परचेज करना होगा, कंपनी को सिर्फ 50 की रिक्वायरमेंट थी, हमने निकाल दिया आपको, और आपको कितना कितना लेना होगा। बात समझ में आ गई? सर हाँ सर समझ में आ गई। आप प्लीज कॉपी करो इसको, आपको कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप इसको कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर कॉपी हो गया, आगे बताओ। फिर सुनो, यहाँ पे हमें कमीशन भी तो देना था, तो आप एक काम करो, अब यहीं पे नीचे में निकाल दो अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। सर ये कमीशन कैसे निकल के आएगा? एक काम करना, कमीशन को निकालने के लिए पहले मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ जी, और मैं कुछ नोट लिखाऊंगा, कुछ नोट बचे फिर हम बात करेंगे आपका, ठीक है ना? आप एक काम करना, कमीशन देखो, आप एक काम करो, इसके आगे आप 3 से 4 लाइन जगह छोड़ दो, आप 1, 2, 3, 4 लाइन जगह छोड़ दो फिर लिखो नोट,
मैं यहाँ नोट लिखता हूँ, आप वहीं लिखेंगे, नोट नंबर वन आपका। कहते हैं कि एक तो अंडर राइटिंग कमीशन जो होता है इज इक्वल टू, ये निकालेंगे कैसे जी, ग्रॉस लाइबिलिटी जो आप लोग का है बच्चे, आप लोग का अपना अपना, इनटू आपका इश्यू प्राइस आपका होगा ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस, और इनटू आपका क्या होगा जी, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कमीशन निकालते हैं। मतलब आप देखो जरा बताओ, कपूर का कमीशन देना है, आप बताओ कपूर का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है जी, ग्रॉस लाइबिलिटी सर 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख शेयर्स हमने यहां लिखा। मुझे बताओ इश्यू प्राइस कितना था, सर एक शेयर 10 रुपए का था, इश्यू किया गया था 1 रुपए प्रीमियम पे, यानी कि 11 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई किया आपने इंटू 11, आपका 2 लाख शेयर्स है इंटू आपका 11, ये आपका होगा जी इश्यू प्राइस। और जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि कमीशन का रेट कितना बता रहा है आपको, कमीशन का रेट सर 5%, तो आपने क्या किया 5% यहाँ पे कमीशन निकाला, बताओ कितना हो जाएगा सर, 22 लाख रुपए का 5% यानी कि 1,10,000 रुपये, ये 1,10 हो गया आपका। एक सवाल दिमाग में उठ रहा है कि सर आपने कपूर को कमीशन क्यों दिया, अब देखो कपूर ने तो कोई भी शेयर्स परचेज नहीं किया जी, फिर कमीशन क्यों? हाँ बच्चे हाँ, आप शायद समझे नहीं, अरे इनको कमीशन क्यों मिल रहा है, रिस्क बियर करने के लिए, रिस्क। इन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि अगर शेयर्स नहीं बिकते तो मैं परचेज कर लूंगा, कितने शेयर्स, 2 लाख आपका। तो मेरे बच्चे आपको कमीशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने रिस्क को बियर किया है, और रिस्क आपके पास 2 लाख शेयर्स का है, अगर इस कंपनी का एक शेयर भी ना बिकता तो आपको पूरे 2 लाख शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं। तो 2 लाख शेयर्स पे क्या हुआ जी, आपने यहाँ पे क्या किया, कमीशन पे करना है। नेट लाइबिलिटी आपकी बनती है नहीं बनती उससे कोई मतलब नहीं, कमीशन हम इस पे करेंगे। उसी तरीके से भोरा का देखो जरा, 1.5 लाख शेयर्स इंटू बताओ इश्यू प्राइस कितना, 11, और जरा बताओ कमीशन का रेट कितना चल रहा है, 5%। क्वेश्चन पक्का बताएगा रेट कितना है सर, अगर रेट ना बताया तो क्या करेंगे, मैं भी आपको नोट लिखाऊंगा बच्चे क्या करेंगे, फिलहाल रेट बता रहा, टेंशन नहीं है आपको, इंटू आपको 5%, ये आ गया आपका 82,500 आपका। जरा चेक करो इनका कितना होगा जी दलाल का, तो 1 लाख शेयर्स इश्यू प्राइस 11 और रेट कहता है बच्चे 5% यहाँ पे, तो कितना आ गया यार चेक करो, ये हो गया 55,000 का अमाउंट, 55,000, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो इनके 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स आपका इंटू 11 और आपका रेट कितना बता रहा, 5%, तो जरा बताओ ना 50,000 इंटू 11 और इसका 5% कितना होता है सर, ये हो गया 27,500 आपका, 27,500, काम ख़त्म हो गया। कौन सी बड़ी बात आपका जी, काम खत्म हो गया, आप प्लीज कॉपी करो इसको फटाफट। आपने चारों का निकाला नेट लाइबिलिटी कि भैया आप लोगों को इतना शेयर्स परचेज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कमीशन चारों को मिलेगा आपके रिस्क के ऊपर में, जितने जितने शेयर्स का रिस्क आपने लिया था, ठीक है ना, प्लीज कॉपी करो। फिर क्वेश्चन हो गया नहीं बच्चे, अभी कहाँ हुआ, क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक तो कहता था कि लाइबिलिटी बताओ जी कितना होगा, निकाल दिया लाइबिलिटी आपने, नेट लाइबिलिटी आपका। एक था कि आप बताओ जनरल एंट्रीज क्या होगा, एंट्रीज आपसे पूछ रहा है, तो मुझे अब क्या करना होगा, एंट्रीज भी तो करना पड़ेगा। ओहो सर एंट्रीज भी करना होगा, हाँ बच्चे हाँ, एंट्रीज कोई बड़ी बात थोड़े है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ एंट्रीज कैसे बनेगा आपका। मुझे बताइए पहली एंट्री, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है ना सर, हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो भी समझ में आया, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में 5 लाख शेयर्स जो थे उनमें से कितने शेयर्स है जो पब्लिक ने परचेज कर लिए, पब्लिक ने, सर पब्लिक ने तो पूरे 4.5 लाख शेयर्स परचेज कर लिए, अरे मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड दोनों मिला के शेयर्स कितने, 4.5 लाख, किसने परचेज किया, पब्लिक ने, तो आप बताओ क्या करूंगा फिर, पब्लिक से पैसा लो ना, अगर हमने शेयर्स पब्लिक को इशू किया है 4.5 लाख, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आप बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने एंट्री करना है। अब देखो ना कितना आपका हो जाएगा, मैं आपको बताऊं तो देखो 4.5 लाख शेयर्स के पेमेंट आपका पब्लिक ने किया बच्चे, क्योंकि शेयर्स उन्होंने उतना परचेज किया है। आप बताओ इशू प्राइस कितना है, 11 रुपये, तो 11 रुपये के हिसाब से जरा बताओ बैंक में कितना चला गया, तो सर ये आपका 4,50,000 शेयर्स हैं, सॉरी कितना जी, हाँ 4,50,000
इंटू आपका 11, ये अमाउंट आ गया सर 49,50,000। ठीक है, मानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे आपको पता है कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है, यानी कि 4.5 लाख शेयर्स आपने क्या करना है इंटू 10 रुपीज ही आपने यहां लिखना है 45 लाख का अमाउंट आपका 45 लाख। 1 रुपया जो आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, आपको पता है कि उसको हमें क्या करना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर पब्लिक से हमने ज्यादा अमाउंट चार्ज किया है तो ज्यादा अमाउंट को प्रीमियम के नाम से दिखाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इन 4.5 लाख पे 1 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज किया था प्रीमियम का, वो 4.5 लाख रुपए प्रीमियम के नाम से आपने यहां रिकॉर्ड कर दिया, काम खत्म हो गया। आई बात समझ में सर? हाँ सर, बात समझ में आई। अच्छा, मैं नरेशन में लिख दूं आपके लिए? लिख दो ना सर, रिविजन में हेल्प करेगा। लिखो, बींग कंपनी रिसीव्ड मनी या कैश फ्रॉम पब्लिक ऑन 4,50,000 शेयर्स आपका, 4.5 लाख शेयर्स पे पैसा क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे कंपनी ने रिसीव किया फ्रॉम पब्लिक आपका। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ। अच्छा जरा बताओ उसके बाद क्या करूँ मैं? पर बच्चे दूसरी एंट्री पास पता क्या करना होगा, ये देखो 22,500 शेयर्स का पैसा कौन देगा, भोरा, और 27,500 शेयर्स का पैसा कौन देगा, मेहता। तो आप इसकी एंट्री करो, भोरा से हमें लेना है ना बच्चे, अरे लेना है ना, कंपनी पैसा लेगी ना सर? हाँ सर, इनसे तो कंपनी पैसा लेगी। तो जरा बताओ, अगर मुझे इनसे पैसा लेना है तो कंपनी इनको क्या बोलेगी, मेरा एसेट्स है, डेटर है जी, मुझे इनसे पैसा लेना है। और अगर आपका एसेट्स बढ़ता है तो आप उनको डेबिट करते हैं, तो आप भोरा अकाउंट को डेबिट करेंगे, आप डेबिट करेंगे यहाँ पे मेहता अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और आप कहना कि देखो जी पैसा हम रिसीव कर रहे हैं आपसे इक्विटी शेयर कैपिटल का, और क्योंकि शेयर्स इशू किया गया 10 रुपये वाले 11 के हिसाब से, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, मुझे बताओ ना कि शेयर्स कितने थे सर? शेयर्स तो यहाँ पे थे आपके जी, भोरा ने कितना परचेज करना, 22,500। तो कहना कि 22,500 पे 11 रुपये के हिसाब से भोरा ने देना है, और 27,500 बच्चे, 27,500 शेयर्स पे 11 रुपये के हिसाब से किसने पेमेंट करना है जी? सर मेहता ने। आप लिखो यहाँ पे नीचे में जी, जरा बताओ कैपिटल कितना हो जाएगा सर? दोनों मिला के 50,000 शेयर्स हो गए, 50,000 इंटू 10 आपका यहाँ चला जाएगा, और 50,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से हम प्रीमियम लिखेंगे। 5 लाख का अमाउंट ये हो गया, 50,000 का अमाउंट आपका ये हो गया। जरा बताओ भोरा में कितना चला गया अमाउंट आपका, चेक कीजिए एक बार। तो सर 22,500 शेयर्स पे इनसे 11 रुपये लेने हैं, ये हो गया 2,47,500, और ये कितना हो गया, 27,500 इंटू आपका 11, ये हो गया बच्चे 3,02,500 का अमाउंट। लिखो यहाँ पे बींग अमाउंट ड्यू है बच्चे, अमाउंट ड्यू किया फ्रॉम अंडरराइटर्स, ये हमने अमाउंट ड्यू करने की एंट्री की। ड्यू का मतलब क्या, हमें आपसे लेना है। एक काम करो, तीसरी एंट्री में इनसे पैसा रिसीव कर लो, अगर मैं पैसा रिसीव करूँगा तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, और मैं क्या करूँगा जी, अब आपके नाम को हटा दूंगा, तो भोरा जो हमने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, मेहता जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट का मतलब कि कैंसिल कर देना जिनके नाम को। आप देखो भोरा से 2,47,500 रुपये और इनसे 3,02,500 रुपये, टोटल कितना हो गया आपका, 5.5 लाख रुपये का अमाउंट, 5.5 लाख का अमाउंट, काम पूरा हो गया। लिख दो नरेशन यहाँ पे, बींग आपका कैश रिसीव्ड, हमने क्या किया, जो आपसे ड्यू था वो पैसा रिसीव कर लिया। बात समझ में आ रही है बच्चे? अरे बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, इसमें क्या समझना, छोड़ो ना, आप आगे बढ़ो। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। एंट्री सर हो गई अभी नहीं, मुझे एक एंट्री अभी और करना बच्चे। ये तो एंट्री वाजी शेयर्स बेचने का आपका, चाहे पब्लिक हो चाहे अंडरराइटर्स को, मुझे एक एंट्री और करना होगा। उस एंट्री में अंडरराइटिंग कमीशन भी तो पे करना है। अरे कंपनी कमीशन पे करेगी ना सर? हाँ सर, पे तो करना है, उसकी एंट्री करो। पहले मुझे बताओ कि जो कमीशन कंपनी ने पे करना है अंडरराइटिंग कमीशन,
वो कंपनी का एक्सपेंस है कि इनकम है? सर ये कौन सा सवाल पूछते हो, कम एक्सपेंस है तो आपको तो पता है ना बच्चे, अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप एंट्री लिखिए अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। मुझे बताओ ये कमीशन किसको पे करना है? सर चार लोग हैं, एक है आपका, पहला कौन था जी जरा बताओ, मैं नाम भूल गया, कपूर। तो जो कपूर को पे करना है कपूर की लायबिलिटी दिखाइए, जो भोरा को पे करना है भोरा की लायबिलिटी दिखाइए, जो दलाल को पे करना है दलाल की लायबिलिटी, पे करना है ना, लायबिलिटी बढ़ेगी हमें एक्सपेंसेस साथ साथ। और आपने जो मेहता को पे करना है मेहता का नाम लिखिए। ये आप जरा बताओ कपूर को कितना पे करना था? सर 1,10,000, ठीक है। आप बताओ इनको कितना पे करना था? 82,500। जरा मुझे बताओ दलाल को कितना पे करना था? 55,000। अच्छा मुझे बताओ मेहता को कितना पे करना है? 27,500। जरा बताओ चारों ऐड करके अमाउंट कितना हो गया? बोलते क्यों नहीं आप, जरा बताओ कितना हो गया? 1,10,000 का अमाउंट तो इनका था, आप नहीं बोलोगे क्या? 82,500 इनका था, 55,000 रुपये का अमाउंट इनका, बताओ ना टोटल कितना आएगा? 27,500। सर लो बता दिया 2,75,000। ये लिखो जरा इनरेशन है जी इसका, बीइंग कमीशन ड्यू, बच्चे ड्यू करने का, अभी दिया थोड़े हमने, कमीशन ड्यू किया टू अंडरराइटर्स, हमें कमीशन देना है अंडरराइटर्स को, हमें कमीशन देना है, हम उसकी एंट्री पास किए हैं। पांचवी एंट्री में हम क्या करेंगे जी, कमीशन दे देंगे। आप बताओ अगर मैं कमीशन पे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सर कमीशन जब पे कर दोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, यही होगा ना बच्चे, आप इनको हटाओ। तो आपने क्या करना है, कपूर अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, भोरा अकाउंट को भी आप डेबिट कीजिए, आप यहाँ पे दलाल अकाउंट को भी आप डेबिट कीजिए, और ये जो मेहता है ये भी अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, और आप पे कर दो जी टू बैंक अकाउंट। चला गया पैसा, आपने क्या किया 2,75,000 पे कर दिया, जिसमें से इनका 1,10,000 रुपये आपका, इनका 82,500, इनका 55,000 रुपये का अमाउंट, और यहाँ पे 27,500 का अमाउंट, काम पूरा हो गया जी। लिख दो यहाँ पे बीइंग आपका कमीशन पेड, हमने क्या किया कमीशन को पे करने की एंट्री कर दी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, बातें हमारी हो गई। आप बताओ इसमें क्या दम है, समझ में नहीं आ रहा इस चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में इतने बड़े लेवल में, इतने बड़े सीएस होने के बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों, मुझे सच्ची समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या खास बात है इस क्वेश्चन को पढ़ाने का। आप इसकी कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको, आप इसकी कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। हो गया कॉपी? सर दो मिनट रुक जाओ, थोड़ा सांस ले दो, क्यों लेने दो सांस, अभी क्या कराया मैंने आपको, अरे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ अब सांस लेने की बात कर रहे हो आप जी, हम प्रोफेशनल सांस नहीं लेते बच्चे, हम तो बस काम करते हैं, बस काम करते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा, आप सांस लेने की आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, बस हमें बस काम करना है, एक बार डिग्री हमारे साथ जुड़ जाए उसके बाद जितने सांस ले रहा होगा लेते रहना। सर उसके पहले मर गया तो नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा आपको, नहीं मरने दूंगा, जब तक कि आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेंगे नहीं मरने दूंगा आपको, आप चिंता ना करो। आओ जरा मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू, लेकिन ठहर जाओ क्वेश्चन नंबर टू पढ़ने के पहले, क्या क्या सीखा आपने इस चैप्टर में जी, मैं आपको बताऊं, एक नाम आपने सीखा था बच्चे, आपको याद होगा एक नाम सीखा था जी आपने, किस सीखा याद है? थोड़ा बैठ जाओ बच्चे, थक गया हूं मैं। हाँ जी आप मुझे बताओ एक नाम क्या सीखा था आपने? एक नाम सीखा था आपने ग्रॉस लायबिलिटी का, जितने जितने शेयर्स की आपने गारंटी दिया था, आप याद करो। एक नाम आपने सीखा था आपने मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड, और एक नाम सीखा था अनमार्क्ड। मार्क्ड का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने बेचा है पब्लिक को अपने रेफरेंस से, उसको बोलते हैं मार्क्ड। अनमार्क का मतलब क्या सीखा जी? जिन शेयर्स को किसने बेचा, बोलो किसने बेचा? सर कंपनी ने, किसको बेचा? पब्लिक को, हमने उसको बोला अनमार्क्ड। जब हम नेट लायबिलिटी निकाल रहे थे तो नेट लायबिलिटी को निकालते समय अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो थे उनका बेनिफिट भी हमने सभी अंडरराइटर्स को दिया था, और किस रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी में। क्यों हमने चारों को बेनिफिट दिया? क्योंकि जितने शेयर्स कम पड़ रहे हैं, जो शेयर्स नहीं बिके हैं, उन्हीं को कौन परचेज करेगा, वो हमें निकालना है जी। तो आपने बेचा चाहे हमने बेचा, उसका बेनिफिट हम डिवाइड करेंगे आप चारों में, और फिर नेट निकल के आ जाएगा आपका। और हाँ, आपने एक चीज और देखा कि अगर सरप्लस किसी के अंडर आता है तो सरप्लस को भी दूसरे अंडरराइटर्स के बीच में हमने ट्रांसफर कर दिया उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। यही पढ़ा है ना बच्चे,
चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इनका एक नोट लिखा दूँ, इन नोट को पूरा करने के बाद फिर मैं आपको क्या करता हूँ जी, आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। एक और शब्द है, उसके बाद तो चैप्टर ही खत्म है। लिखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट। देखो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, लिखेंगे आप यहाँ पे नंबर वन, नंबर वन लिखना, वाइल कैलकुलेटिंग नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ये वन हटा दो यहां से, वाइल कैलकुलेटिंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड। हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, मतलब ये ध्यान रखेंगे। वो ध्यान क्या रखेंगे जी, पहला नंबर, पहला कि बेनिफिट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन आर गिवन टू द अंडरराइटर हु हैज sold such shares to public, जिसने उन shares को बेचा है। benefit of marked application are given to the marked application is given to the underwriter who has sold such shares to the public, जिसने बेचा उसी को उसका benefit देंगे जी। लेकिन number two लिखना, benefit of unmarked application are transferred to all underwriters in the ratio of their gross liability, जो उनका gross liability का ratio होगा मेरे बच्चे, उस ratio में क्या करेंगे आप, उस benefit को transfer करेंगे net liability को पता करते समय आपका, ठीक है ना। number three लिखिए यहां पे, surplus if any of any underwriter will be transferred to other underwriters in the ratio of their gross liability। यहां भी क्या किया हमने बच्चे, gross liability के ratio में आपका कर दिया। और नोट नंबर फोर्थ लिखिए आपका, surplus कब आएगा, फोर्थ surplus will be recorded when number of shares sold by underwriter आगे ब्रैकेट में including unmarked, firm underwriting। सर ये क्या है, अभी बताऊंगा बच्चे, यही एक वर्ड बचा हुआ है जो मुझे समझाना है।
कहते हैं कि सरप्लस विल बी रिकॉर्डेड व्हेन नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय अंडरराइटर इंक्लूडिंग मार्क्ड अनमार्क्ड फॉर्म राइटिंग ब्रैकेट क्लोज आर मोर देन हिज ग्रॉस लायबिलिटी, जो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है अगर उससे ज़्यादा शेयर्स उसके अकाउंट में बिक गए हैं तो हम क्या बोलेंगे जी आपको यहाँ पे सरप्लस आपका। ध्यान रखना, मार्क्ड आपको पता है, अनमार्क पता है, फॉर्म अनराइटिंग क्या होता है मुझे समझाना आपको बच्चे। पांचवा पॉइंट लिखे यहाँ पे, पांचवा पॉइंट अंडरराइटिंग कमीशन। अब कमीशन को आ गए हम लोग यहाँ पे, या फिर एक ऐसा कर लो आप, ऐसे कर लो। ये पॉइंट नंबर आप इसको वन में चार पॉइंट बना दिया, अब पॉइंट नंबर टू लिखो यहाँ पे, टेंशन नहीं करना। लिखना फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग अंडर राइटिंग कमीशन जो होगा उसको निकालते समय आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा लिखेंगे इसके अंदर में, पॉइंट नंबर वन, पहला पॉइंट, Underwriting Commission is payable at the rate of 5% on shares and 2.5% on interest bearing securities। सर ये क्या है, मैं काम करता हूं, ये जो आपने लिखा ना अंडररिंग कमीशन उसके आगे लिख दो मैक्सिमम डाल दो बच्चे आपका, मैक्सिमम पहला पॉइंट यहां डाल देंगे आप, मैक्सिमम जो अंडररिटिंग कमीशन आपका पेबल हो सकता है, मतलब रेट ऑफ जो कमीशन होगा ये टू द मैक्सिमम 5% हो सकता है बच्चे शेयर्स के ऊपर में। कौन से शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो और चाहे वो आपका प्रेफरेंस हो, अगर इनको अंडरराइट किया तो कमीशन 5% देना एक्ट कानून के अंदर बच्चे आपका। इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया आपका, डिवेंचर हो गए बॉन्ड्स हो गए एक्सेट्रा, इनके ऊपर में जो कमीशन आपका होगा वो कितना होगा जी, 2.5% आपका। सर भूल गए तो सिंपल है जी, कैसे भूल जाओगे आप, ध्यान देना शेयर्स में ज़्यादा रिस्क होता है तो रिस्क ज़्यादा तो कमीशन भी ज़्यादा आपका, डिवेंचर में रिस्क कम होता है जी तो कम कमीशन आपका होगा, तो यहाँ पे 5% कह दिया, वहाँ पे 2.5% कह दिया, ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब होता है क्वेश्चन जो बोलेगा वही रेट लेना, अगर क्वेश्चन रेट ना बोले तो इस रेट से हम काम चलाएंगे, अगर रेट ना बोले तो आपका। नंबर टू लिखना अंडरराइटिंग कमीशन इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ कमीशन जो क्वेश्चन बोलेगा, ना बोले तो इस रेट को लेंगे जी आपका, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस का मतलब होता है कि शेयर्स आखिर इशू किस चीज़ पे हुए हैं जी, अगर पार पे तो पार पे, प्रीमियम तो प्रीमियम, अब तो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू होते ही नहीं है आपको पता ही बात, नया रूल के मुताबिक, तो जिस पे भी इशू किया गया वो, ये फेस वैल्यू नहीं बचे, इशू प्राइस। तो देखो ये बातें हमें ध्यान देना है, लेकिन यहाँ भी कई सारी बातें हैं, ये तब फॉलो करेंगे ऊपर से नीचे तक जब कुछ क्वेश्चन ना बोले तो। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देगा बच्चे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, कुछ लैंग्वेज ट्विस्ट कर देता आपको, तो वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं वैसा भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कुछ चिंता नहीं करना, पहले आप इसको कॉपी कर लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक वर्ड है जी आपका फॉर्म अंडरराइटिंग, हम इसका मतलब आपको समझाते हैं, आप पहले इसकी कॉपी कर लो, मैं इसको मिटाता हूँ। सर ये कॉपी हो गया, आप मिटा दो और बता दो हमें क्या करना है, हम उसको कर लेते हैं। देखो पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग समझाना चाहता हूँ, फॉर्म अंडरराइटिंग आपका, पहले सुन लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक नोट और आएगा, कितने नोट हमारे हो चुके हैं जी, 1, 2, 3 भी आएगा, बट उसके पहले समझ लो आपको फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, लिखना बंद करेंगे, लिखना नहीं आपको, तीन लोग हैं,
ग्रॉस लाइबिलिटी हमने कहा था जी, ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब क्या, जिन जिन शेयर्स की आप लोगों ने गारंटी दिया था बिकने का आपका, है ना, जितने जितने शेयर्स का। मार्क्ड एप्लीकेशन, एक वर्ड आपको पास निकल के आया, एक निकल के आया अनमार्क्ड। मुझे बताओ ये मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों किसको बेचते हैं? सर ये शेयर्स बेचे जाते हैं पब्लिक को, पब्लिक को। कौन बेचता है? मार्क का मतलब कि अंडरराइटर्स ने बेचा, अनमार्क का मतलब कि कंपनी ने बेचा, बट शेयर्स किसको बेचा गया है? पब्लिक को बेचे, पब्लिक को। आप मेरी बात सुनो, कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंडरराइटर्स है ना एबीसी, जिस कंपनी से इनका एग्रीमेंट हुआ है, अगर इनको लगता है कि इस कंपनी का शेयर्स आगे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत में बिकेगा, यानी कि कंपनी बहुत अच्छा ब्रांड बनाएगी, अगर इनको लगता है, बच्चे ये बड़े लोग हैं, इनको दिमाग काम करता है, इन्होंने सोचा यार ये तो कंपनी का जो शेयर है आज कम का है लेकिन कल को वैल्यू बढ़ेगा, तो पता है ये जो लोग हैं ना बच्चे अंडरराइटर्स, ये क्या करते हैं, पहले से ही इस कंपनी से एग्रीमेंट कर लेते हैं। कंपनी से एग्रीमेंट कर लेंगे, देखो जी चलो शेयर्स जो है आप भी बेचो हम भी बेचते हैं, लेकिन इसके पहले ये कहते हैं कि देखो जी 2000 शेयर्स मुझे चाहिए अपने लिए, पब्लिक को नहीं देना, मुझे अपने लिए चाहिए, अपने लिए मैं चाहता हूं अपने लिए। ये कहता है कि भैया मुझे भी 5000 शेयर्स चाहिए अपने लिए, अपने लिए। मेरे बच्चे जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने खुद परचेज कर लिया अपने लिए, अपने लिए, उसको बोलते हैं हम फर्म अंडरराइटिंग। नाम सुना आपने फर्म अंडरराइटिंग, इस चैप्टर में इसका मतलब होता है, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि जो जो फर्म है मतलब जो अंडरराइटर्स हैं, इन्होंने क्या किया कि पहले से एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया ये शेयर्स तो चाहिए मुझे अपने लिए, आपका अपने लिए। बात समझ आ रही है? सिर्फ भाव बताओ इससे क्या होगा, कुछ नहीं बचे, कौन सी बड़ी बात आ जाएगी? अरे जितने ग्रॉस लाइबिलिटी आपकी थी उसमें से हमने मार्क्ड अनमार्क को माइनस किया था ना, उसी तरीके से जो शेयर्स मान लो ए ने खुद डिमांड कर लिया अपने लिए, हम क्या करेंगे, उसका बेनिफिट हम आप ही को दे देंगे कि चलो आपके हिस्से में ये भी बिक गया, बिक ही तो गया, पब्लिक ले चाहे आप ले, शेयर्स तो कंपनी के लिए बिक ही गए जी, तो क्या होगा, उनका भी बेनिफिट क्या करेंगे, उनके बीच में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब सर आओ मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, ज्यादा क्लियरिटी आएगा, फिर मैं इसका नोट लिखाऊंगा, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। आई जरा आप एक बार आए, जरा चेक करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन नंबर टू सीएस इंटर में आया हुआ क्वेश्चन, बच्चे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कभी, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। सुनिए मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करूंगा, आप जरा आ जाओ, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू का। कहता है कि सैम लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने इशू किया बच्चे शेयर्स, इशू किया आपका कितना जी, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स कहता है कि आपने इशू किया है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए वाले। कहता है कि एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, अच्छा 10 का शेयर है और एट प्रीमियम ऑफ 5, मतलब 5 रुपये हम क्या करेंगे जी, पर शेयर प्रीमियम लेंगे आपका, शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ। कहता कि एंटायर इशू वाज अंडरटन बाई अंडरराइटर ए बी सी डी, 4 लोग आए हैं बच्चे, ए बी सी डी 4 लोग आए हैं, बोलते हैं कि आओ जी हम इसको अंडरराइट करते हैं, और इनकी जो ग्रॉस लाइबिलिटी है, ग्रॉस लाइबिलिटी उनका परसेंटेज बता रहा है कि ए की गारंटी कहता है कि 30% का है, मतलब 1 लाख का 30%, बी ने भी गारंटी 30% का दिया है जी, सी की गारंटी कहता है कि 20% का है, और डी की भी गारंटी कहता है कि 20% का है। बात समझ में आ रही है? मतलब 1 लाख का 30,000, 30,000, 20,000, 20,000, क्वेश्चन शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ो। विथ अ प्रोविजन ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, आ गया वो शब्द, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है जी जिन शेयर्स को आप लोगों ने परचेज किया है अपने लिए, मतलब इन शेयर्स को पब्लिक को नहीं दिया जाएगा, ये शेयर्स हमारे पास रहेंगे जी, हमने अपने लिए लिए हैं। ये कहता है कि मुझे 3000 दे दो, ये कहता है कि मुझे भी 2000 दे दो जी, और 1000 मुझे भी और 1000 मुझे, मतलब इनको ये शेयर्स चाहिए ही चाहिए, ये एग्रीमेंट पहले से हो चुका है। तो अगर अगर कभी आपको शेयर्स जब बेचना होगा तो ध्यान रखना 3000 ये ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 ये अपने लिए, अपने लिए बचे, उन्होंने अपने ले लिया आपका, ठीक है। ये क्या कहता कि जो अंडरराइटिंग कमीशन है वेर एंटाइटल्ड, सॉरी द अंडरराइटर्स कहता है वेर एंटाइटल्ड टू मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ। ओहो अभी देखा, आप बताओ कमीशन मैक्सिमम परमिटेड बाय लॉ कितना है? सर शेयर्स पे आपने कहा था 5% और इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी पे कहा था 2.5%। एक बार चेक करो क्वेश्चन शेयर्स का है कि डिवेंचर का है? सर शेयर्स का है, यानी कि 5% आपका। सीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे जहां रेट नहीं बताएगा वहां खुद सोचना होगा, तो ये कौन सी बड़ी बात है,
लॉ के हम लोग मास्टर हैं। आगे बढ़िए, आप कहता कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। लो ये क्या कहता है कि जो एप्लीकेशन आया है आपके पास, जो एप्लीकेशन आया है जी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से, वो कहता है कि 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। लेकिन पढ़ना जरा इसमें से क्या बता रहा है जी, आउट ऑफ जिसमें से 19,000, 10,000, 21,000 एंड 8,000 कहता है मार्क्ड इन फेवर ऑफ एबीसीडी। देखो ना, इसमें से जो मार्क्ड एप्लीकेशन हो गए, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या जी, जो ए बी सी और डी ने बेच दिया अपने रेफरेंस से पब्लिक को, वो कितना बता रहा है 19,000। इनका कितना है जी आपका 10,000, इन्होंने कितना बेच दिया 21,000 है ना सर, हाँ 21,000। और जरा बताओ डी ने कितना बेच दिया, डी ने कितना बेच दिया सर, वो तो 8,000 बेच दिया आपका, 8,000। तो ठीक है, आप देखो 70,000 में से इन्होंने कितना बेच दिया, 58,000। अगर 70 में से 58,000 शेयर्स मार्क्ड हो गए तो बताओ जरा अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हो गए, अनमार्क्ड एप्लीकेशन सर 70 माइनस ही आपका 12,000, 12,000 क्या हो गया जी आपका यहाँ पे अनमार्क्ड हो गया बच्चे, अनमार्क्ड हो गया। अच्छा और कुछ बता रहा है, नहीं सर खत्म होगी बात। बोलता है कैलकुलेट लाइबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अंडरराइटर, लाइबिलिटी पूछ रहा है, और ऑल्सो एज सर्टन अंडरराइटिंग कमीशन पेबल, कमीशन कितना पे किया जाएगा वो। यहाँ एंट्रीज नहीं पूछ रहा बच्चे, एंट्रीज पूछता भी तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, आपको सब कुछ आता है। तो आओ जरा मैं आपको यहाँ बताऊँ यहाँ पे क्या करेंगे। एक बार क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आपकी खातिर ये देखो जरा जी, 1,00,000 शेयर्स बिकने थे जी, बिकने थे ना सर, हाँ मुझे बताओ मार्क्ड कितने बिक गए, 58 माइनस कर दो इसमें, 58 बिक गए जी। अच्छा कितना बेच दिया कंपनी ने खुद, 12,000, मतलब टोटल आपके एक में कितना 70 बिक गया, तो 30 बच गए बच्चे 30। लेकिन 30 में आप देखो आप लोगों ने मिलकर अपने लिए कितना ले लिया, 3, 2, 5, 1, 6, 1 कितना हो गया 7, तो 30 में से 7,000 तो और बिक गए, 30 में से 7 तो और बिक गया, 30,000 की जो कमी थी जी, 7,000 तो आप लोगों ने खुद ले लिया, तो 23,000 का बच्चे शॉर्ट पड़ रहा, 23,000। हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो 23 कौन कौन लेगा, कितना कितना आपका। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप आंसर समझ चुके हैं, फिर भी स्टार्ट कीजिए मेरे साथ सॉल्यूशन में, ये तो आपके लिए है सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्या जी, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, जो आपके अंडरराइटर्स हैं आखिर उनकी नेट लाइबिलिटी कितनी में उसको निकाल लो आपका, ठीक है ना। तो देखो चार लोग हैं ए बी सी एंड डी आपका, मुझे बताओ पहले चारों की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी कितनी है, बताइए जरा ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी कितनी है। सर ग्रॉस लाइबिलिटी आपका यहाँ पे 30% ऑफ 1,00,000 यानी कि 30,000 शेयर्स का, 30,000 आपका भी कितना हो गया 30,000। अच्छा सी का कितना हो गया 20,000 और डी का कितना हो गया सर 20,000, ठीक है। ये आप चारों का हो गया जी आपका ग्रॉस लाइबिलिटी, बात समझ में आ रही सर। हाँ एक काम करो, इसमें से जिन शेयर्स को आप लोगों ने बेच दिया पब्लिक को, आप उसको यहाँ से माइनस करो, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन की बात करो, मार्क्ड मुझे बताओ ए ने कितना बेचा है सर 19,000, बताओ बी ने कितना बेचा है सर 10,000, बताओ सी ने कितना बेच दिया 21,000, और जरा बताओ डी ने कितना बेच दिया सर 8,000। कोई बात नहीं, जितना जितना आप लोगों ने बेचा है उनका उनका बेनिफिट हम आप में ट्रांसफर कर देंगे जी। इसके बाद आप माइनस कीजिए अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क का मतलब होता है कि जिनको कंपनी ने बेचा है पब्लिक को, बट क्योंकि हमें जो शॉर्ट वाला सिर्फ उसका निकालना है जी, इसका बेनिफिट भी हम क्या करेंगे, हम चारों में डिवाइड करेंगे। अनमार्क्ड जरा बताओ कितना 12,000 है, तो अनमार्क का जो बेनिफिट है आप जरा बताओ किस रेशियो में डिवाइड करते हो सर, ग्रॉस लाइबिलिटी 3:3:2:2 यही करते ना बच्चे, अरे यही करते हैं ना, अरे अभी नोट भी लिखाया था, क्वेश्चन भी कराया, यही तो करते हैं आप, इतना आश्चर्य क्यों देख रहे हो आप। आप 12,000 को डिवाइड करो जी, 12,000 डिवाइड बाय 10 × 3 ये आ गया 3600, आप यहाँ से 3600 माइनस करो, आप यहाँ भी 3600 माइनस करो, माइनस करो यहाँ पे 2400
और माइनस करो यहाँ पे 2400 आपका। बात समझ आ रही है सर? हाँ, ग्रॉस लाइबिलिटी में मार्क्ड अनमार्क माइनस कर दिया, ये तो पहले भी करते थे। अब एक काम करो, जो फर्म अंडरराइटिंग है, मतलब जिन शेयर्स को आप लोगों ने खुद ले लिया अपने अपने लिए, उससे भी तो लाइबिलिटी कम होगी आपकी। लाइबिलिटी कम होगी ना बच्चे, आखिर बिक तो ही तो गया, बिक ही तो गया। तो देखो 3000 का बेनिफिट आपको आपके अकाउंट में, 2000 कहते हो कि मुझे चाहिए तो ठीक है जी, हम आपके हिस्से का सेल मान लेंगे, 1000 आपने मांगा तो हम आपके हिस्से का सेल मांग लेंगे, और 1000 का क्या करेंगे हम आपके हिस्से का सेल, जिसने जितना जितना मांगा उसका सेल मान लेंगे। आओ जरा चेक करते हैं क्या निकल के आता है नेट लाइबिलिटी आपका। तो एक बार समझना, 30000 बेचने थे, 30 में से, सुनना मेरी बात, 30 में से आपने 19000 खुद बेच दिए, उसको हटा दो, मेरे शब्दों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 3600 कंपनी ने बेचा, लेकिन आपको दिया जी आपकी लाइबिलिटी को कम करने में उसका बेनिफिट आपका, वो भी माइनस कीजिए। और फिर आपने 3000 ले लिया अपने लिए, तो अभी भी 4400 शेयर्स की कमी है जो आपको लेना पड़ेगा। अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे, देखते हैं इनका बी का। देखो 30000 शेयर्स बिकने थे, लेकिन 30 में से आपने कितना बेच दिया सर? 15600 ना सर? हाँ, तो मेरे बच्चे कमी आ रही है 14400 को, आपको भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, इनको 20 बेचना था और इनके हिस्से में काफ़ी बिक गया, इनके हिस्से में कितना बिक गया? 22 23 400, देख रहे हैं आप, 23 400 24 400 21000। मैं देखूंगा जी, 21000 प्लस 2400 प्लस आपका 1000, ये 24400, और कितना बिक गया जी? 20। तो कमी कितने की आ गई? 4400। मेरे बच्चे 4400 शेयर्स की कमी आ गई, आई बस समझ में? सॉरी, ज़्यादा बेच दिया, ज़्यादा, 20 ही तो बेचना था। अच्छा बताओ डी का क्या निकल के आ रहा है? इनको 20 बेचना था, कितना बिक गया एक बार चेक करो आप सर? 11400। तो 20 बेचना था, 11400 बिक गया, आपके हिस्से में 8600 शेयर्स की कमी आ रही है, कमी आ रही बच्चे, है ना? अरे हाँ, ओहो ये क्या, देखो किसके हिस्से में ज़्यादा शेयर्स बिक गया सर? सी के हिस्से में। आप बताओ अगर सी के हिस्से में ज़्यादा बिक गया तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसका बेनिफिट हमें इन तीनों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो करो ना, फिर पूछ क्यों रहे हो आप? लिखो यहाँ पे सरप्लस, सरप्लस ऑफ आपका सी ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू बोलो किसको जी? ए बी एंड डी, ए बी डी में ट्रांसफर करना होगा जी। इन बताओ किस रेशियो में आपका सर? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो क्या हो गया? 3:3:2, इन 3:3:2 का रेशियो आपका, आई बात समझ में? तो एक काम करो आप, यहाँ पे क्या करो, 4400 हटा दो और 3:3:2 में डिवाइड कर दो जी। तो 4400 कितना हो गया ये? डिवाइड बाई 8:3 आपका, ये हो गया बच्चे 1650। 1650 का बेनिफिट आपको, 1650 का ही बेनिफिट आपको, और 1100 का बेनिफिट हम क्या करेंगे जी? आपको दे देंगे उन शेयर्स का बेनिफिट जो किसने ज़्यादा बेच दिया? सी ने। आप चेक करते हैं। अब देखो ना कि 4400 आपको परचेज करना था, लेकिन 4400 में भी हमने क्या बोला, 1650 का बेनिफिट और मिल गया जी आपको, तो भी 2750 तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। इनमें 12750 निकल के आ गया, यहाँ पे जी आपका नील हो गया, और यहाँ कितना आ गया बच्चे? 7500 आपका। तो 7500 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, ये हमारे निकल के आ गए यहाँ पे नेट लाइबिलिटी आपका। नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भाई प्रेशर आपको परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने गारंटी दिया था कि इतने शेयर्स तो बिकेंगे बिकेंगे आपका, ये निकल के आ गया बच्चे नेट लाइबिलिटी आपका। प्लीज कॉपी करें आप, प्लीज कॉपी करें, एक बार चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं हुआ। यहाँ देखो जी कैसे चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो बच्चे, यहाँ चेक करो। 1,00,000 शेयर्स बिकने थे, 1,00,000 में से जरा बताओ पब्लिक को कितना बेच दिया? 70,000। जरा बताओ आप लोगों ने कितना ले लिया? 3, 2, 5, 1, 6, 7 ले लिया आपने। तो जरा बताओ कमी कितने की आ गई? 23,000 की। एक बार चेक करते हैं कि क्या इन सबका मिला के सिर्फ 23,000 बनता है कि नहीं बनता है। तो चेक करो जरा, 2750 आपने लिया, 12750 आपने लिया, और 7500 आपने लिया, ये हो गया बच्चे आपका 23,000 शेयर्स आपका। यानी कि जितना शॉर्ट पड़ रहा था वो आप लोगों ने कितना कितना परचेज किया वो हमने निकाल लिया आपका। आप प्लीज कॉपी करो उसको, आप प्लीज कॉपी कर लो, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? काम खत्म हो गया ना बच्चे? नहीं सर नहीं, अभी काम खत्म कहाँ हुआ है? अरे अभी कमीशन भी तो निकालना है। ओहो हाँ, मैं भूल गया था, माफ़ कर दो मुझे आप, मेरे बच्चे माफ़ कर दो, गलती से मैं सोचा कि खत्म हो गया। आप देखो ना, अब आओ यहाँ कमीशन निकाल लेते हैं, कमीशन आपका
देखो कमीशन निकालते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी यानी कि 30,000 शेयर्स इंटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है? 15 रुपये। देख रहे हैं आप, 15 रुपये आपका 10 + 5 15 रुपये का, तो इंटू 15। और बताओ शेयर्स पे रेट कितना है बच्चे? सर 5%। इनका भी 30,000 शेयर्स इंटू 15 और इन पे भी 5% आपका। आप चेक करो यहाँ पे कितना जी, 20,000 शेयर्स इंटू आपका 15 और यहाँ भी कितना? 5%। और बताओ यहाँ कितना? सर इनका भी 20,000 शेयर्स है इंटू 15 इशू प्राइस और 5% आप रेट निकाल दो। जगह कट रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20,000 इंटू 15 इंटू 5%। जरा बताओ कितना निकल के आ गया, चेक करो एक बार। सर ये 4.5 लाख हो गया, का 5% आप निकालोगे तो 22,500। यहाँ भी 22,500 ही तो आएगा, सेम है आपका। यहाँ कितना आ जाएगा जी? 15,000। और यहाँ कितना आ जाएगा? 15,000 आपका। आप इसकी कॉपी कर लो, इसकी कॉपी कर लो बच्चे, आप इसकी कॉपी कर लो। हो गई कॉपी? हो गया बच्चे? सर हाँ हो गया हमारा। एक बात बोलो, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो आप? बोलो सर, हम बुरा नहीं मानते, आप हमारे सर हो ना, नहीं मानेंगे बुरा। ठीक है बच्चे, देखो इस क्वेश्चन में एंट्रीज नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा ना? नहीं सर, एंट्रीज नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा। सर क्यों बताओगे? मान लो पूछ दिया तो फिर क्या करोगे? सर एंट्री जो पीछे वाला किया था वही तो एंट्री होगा। हाँ बच्चे एंट्री होगा तो वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा एंट्री में, फॉर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया ना। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाऊंगा, आप मेरी बात समझो और प्लीज़ आप मेरे साथ लिखेंगे। देखो जब भी एंट्रीज पूछ देगा तो मैं क्या करूँगा, कुछ और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊँगा। मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सर ये क्या निकाल रहे हो? निकाल तो चुके हो? हाँ बच्चे, लेकिन इस बार निकाल रहा हूं टोटल अंडरराइटिंग, टोटल लाइबिलिटी। ये क्या था आपका? नेट लाइबिलिटी। सर नेट में या टोटल में क्या फर्क है? कुछ नहीं बचे, थोड़ा सा देख तो लो आप, अच्छा लगेगा आपको। ये देखो आप, हमने चारों का नाम लिखा, ए बी सी और डी। जरा बताओ आप लोगों ने जो नेट लाइबिलिटी निकाला है, मतलब नेट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को इन लोगों ने परचेज करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, वो कितना कितना था? तो सर इनका था 2750 शेयर्स, इनका कितना था जी? सर 12750। सी का कितना था? सर नील, उसने थोड़े लेना था, वो तो ज्यादा बेच चुका है। अच्छा अच्छा और डी ने 75। हो गया ना बच्चे? देखो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, इनके साथ साथ आपने और क्या लेना है? सर इनके साथ साथ हमें लेना है फर्म अंडरराइटिंग। अरे हाँ, आप देखो जिन शेयर्स को आप लोगों ने डिमांड किया था अपने लिए, उन शेयर्स को भी तो आपको परचेज करना पड़ेगा। अरे ये शेयर्स पब्लिक को थोड़े दिए जा रहे हैं, ये तो आपने ही लेना है। ये कौन से शेयर्स है? ये जो आपको लेना पड़ेगा बाई प्रेशर, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, आपको लेना पड़ेगा। और ये वो शेयर से जो आपने पहले खुद मांगा था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो ठीक है ये भी लेना पड़ेगा। और जो आपने पहले से मांगा था अपने लिए, वो तो चाहिए चाहिए, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको जी। 3,200 आपने कितना मांगा था? 1,000। और आपने कितना मांगा था? 1,000 आपका। ये चाहिए आपको, ये चाहिए ना बच्चे? आप देखो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर हमने पहले से एग्रीमेंट किया है कि देखो जी हमें इतना शेयर चाहिए तो हम देंगे आपको, आपको लेना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी आपका। टोटल लाइबिलिटी बताइए, टोटल लाइबिलिटी आपका ए का कितना हो गया? 5,750। बी का जी 14,750। देखो सी की ऐसे तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनी थी, बट क्योंकि 1,000 आपने खुद अपने लिए मांगा था, वो 1,000 यहाँ पे आ गया। और ये आ गया आपका 8,500 शेयर्स का आपका, 8,500। आई बात समझ में? सर हाँ बात समझ में आई। तो अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसको मिटा के मैं यहाँ पे एंट्री करना शुरू करूँ, आपको एंट्री करूँ। सर आप एक काम करो ना, पहले यहाँ एंट्री कर लो, फिर आप एंट्री वहाँ भी कर लेना मिटा कर, क्या जाता है? अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपकी बात मान रहा हूँ।
देखो आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझसे झगड़ा नहीं करना, ऐसे तो इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर मान लो पूछ भी दे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो एंट्री कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। आइए पहला मुझे ये बताओ, आप जरा पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर टू, और क्वेश्चन नंबर टू पढ़ के बताओ कितने शेयर्स हैं जिन शेयर्स को आपने पब्लिक को बेचा है। पब्लिक को 1,00,000 में से कितने शेयर्स हैं जो आपने पब्लिक को बेचा है। सर 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें लाइन में कहता है 70,000 शेयर्स, 70,000 था ना बच्चे, अरे था ना। ये देखो ये जो मार्क्ड और अनमार्क्ड ये मिलाकर टोटल शेयर्स कितने हो गए, सर ये हो गया 70,000 शेयर्स आपका, 70,000 शेयर्स आपका। तो ये शेयर्स तो हमने पब्लिक को बेचा है, आप उसकी एंट्री अलग कर लो। तो आप क्या बोलना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू आपने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बताइए कितना। तो सर 70,000 शेयर्स हैं और जरा बताओ इशू प्राइस क्या था, सर 15 रुपये। तो आप एक काम करो 15 रुपये यहाँ रिकॉर्ड करो जी, ये हो गया बच्चे 10,50,000। आप बताओ कैपिटल के आगे क्या आएगा, कैपिटल के आगे तो सर कैपिटल के आगे जाएगा 70,000 शेयर्स इनटू आपका 10 फेस वैल्यू, यानी कि 7,00,000 का अमाउंट। और मेरे बच्चे इसके ऊपर का जो अमाउंट होगा 70,000 इनटू आपका 5, ये आपका प्रीमियम के आगे रिकॉर्ड होगा 3,50,000 रुपये का अमाउंट आपका। बात खत्म हो गई। आप बताओ नरेशन लिखूँ, लिख दो ना सर, बींग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक ऑन 70,000 शेयर्स आपका, लिख दो मेरे साथ यहाँ पे, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। 70,000 शेयर्स पे हमने क्या किया जी, यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया आपका, पूरा पैसा आपका एक बार में हो गया। अच्छा दूसरा, अब देखो इन शेयर्स का पैसा हमें किससे लेना है, ए बी सी डी से। तो आप डेबिट करो जी, ए से लेना है तो ए को डेबिट किया, बी से लेना है बी को डेबिट किया, सी से लेना है सी को डेबिट किया, डी से लेना है डी को डेबिट किया एंड टू टू क्या बोलेंगे आप बताइए। तो आपने बोला ए बी सी डी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिख रहा ना बच्चे, सर हाँ अभी जगह है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपने कहा यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जरा बताओ कितना। तो सर ये आप देखो ना, आप देखो ना सर, इन चारों का मिला के शेयर्स कितना हो गया, एक बार ऐड कर लो जी, पहले यहाँ लिख लो ना, ए से कितना 5,750 शेयर्स पे 15 रुपये के हिसाब से लेना था, आपसे 14,750 शेयर्स पे 15 के हिसाब से लेना था, आपसे 1,000 शेयर्स पे 15 के हिसाब से लेना था, और आपसे 8,500 शेयर्स पे 1,500 रुपीज़ के अमाउंट से लेना था आपका। बताओ ऊपर वाला कितना आ गया, आप बताओ 5,750 इंटू 15, बोलो ना कितना आया, सर ये आ गया 86,250। अच्छा ये कितना आ गया, 14,750 इंटू 15 आपका, सर ये आ गया 2,21,250 का अमाउंट। अच्छा ये कितना आ गया, ये तो मैं बताऊंगा, 15,000 रुपये बच्चे, 15,000 ही तो आएगा, ओह मैंने कितना फास्ट बताया देख रहे हो आप। अच्छा ये कितना आया, तो 8,500 इंटू आपका 15, सर ये आ गया 1,27,500 रुपये, 1,27,500, ठीक है। जरा बताओ कैपिटल में कितना जाएगा, तो सर ये शेयर्स कितने होंगे देख लो ना, 5,750, देखो क्यों 30,000 आएंगे जी, 30,000 आएंगे, अरे 1,00,000 में 70,000 शेयर्स किसने ले लिया, पब्लिक, 30 ही तो बचेंगे, आपको मुझे विश्वास नहीं होता, यही गंदा लगता है मुझे। लो ऐड कर लो आप, 5,750 प्लस आपका 14,750, मुझे बहुत गंदा लगता है, प्लस 1,000 और प्लस आपका 8,500, लो आ गया 30,000, नहीं मानते मेरी बात, 30,000 इंटू आपका 10, 3,00,000 का अमाउंट, और 30,000 इंटू आपका 5 यानी कि 1,50,000 का अमाउंट, ये आपका हो गया जी अमाउंट ड्यू करने का। बींग जगह है सर, हाँ अभी तो ठीक है, बींग अमाउंट ड्यू है जी, ड्यू ऑन टोटल लाइबिलिटी, जो इनकी टोटल लाइबिलिटी, टोटल का मतलब क्या हो गया नेट, और प्लस आपका जी जो फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर दिया तो टोटल निकल के आ गया।
ठीक है, अब तो मैं इधर मिटाऊंगा, जगह मेरे पास नहीं है, आपने खुद कहा था सर उसके बाद आप चाहो तो यहाँ मिटा सकते हो, तो लो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तब तक तो आप लिख भी चुके होंगे। आप एक काम करना, थर्ड एंट्री आप इनको क्या करो, जिनसे पैसा रिसीव करो, तो जब पैसा रिसीव करूँगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू ए टू बी टू सी एंड टू डी आपका। बोले कितना? तो सर बैंक में टोटल आ गया आपका 450, 4.5 लाख का अमाउंट आपका। बोलो ए में कितना चला गया? 86250। बी में बताइए 2,21,250 का अमाउंट आपका। सी का बताइए 15,000, 15,000 का अमाउंट। और डी का बताइए, तो सर 1,27,500 का अमाउंट आपका। ये हो गया बैंक टू एबीसीडी आपका। बात समझ आ रही है बच्चे? सर हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई। तो आपने क्या किया, ये भी पैसा हो गया। चौथी एंट्री करो जी, कमीशन वाली। तो आप डेबिट करो ना, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आपको आता तो है, ये आपको आता तो है। अंडरराइटिंग कमीशन को आप डेबिट कीजिए, कंपनी का एक्सपेंस है डेबिट करेंगे। और हमें किसको देना है जी? ए को, बी को, सी को और डी को। आप खाम खाम उसे मेहनत करा रहे हो, आपको आता है सब कुछ। 22,500 का कमीशन हमने आपको देना है, 22,500 का कमीशन हमें आपको देना है, 15,000 का कमीशन हमने आपको, 15,000 का आपको। बताओ कितना हो गया? सर ये हो गया 75,000 का अमाउंट आपका, 75। ये कमीशन ड्यू करने की एंट्री हो गई। आओ जरा हम पे करने की एंट्री करते हैं। तो पांचवी एंट्री पे कर दो जी। क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी सी डी टू बैंक अकाउंट, यही होगा ना? बोलो। अरे यही होगा ना बच्चों? अरे यही होगा ना सर? हाँ सर हाँ, आप चिल्लाओ ना सर, हमें समझ में आ रहा है। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं कि आप शाबाशी ले रहे हो कि बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है, ये हमें आता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरा एंट्री कर दो, काम खत्म करो। 75,000, ये लो एंट्री कंप्लीट। काम खत्म हो गया बच्चे, काम खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप इसकी कॉपी कर लो, ये भी क्वेश्चन खत्म। देखो ये क्वेश्चन के खत्म होते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुके हैं। अब इसमें कोई नया चीज बचा ही नहीं जो मुझे आपको कराना है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, जब हम आ ही गए हैं और बैठ ही गए तो हम क्यों ना कुछ प्रैक्टिस और कर लें, बात बन जाएगी, है कि नहीं? तो आओ जरा मैं आपको लेकर आता हूँ जी थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल कुछ यहाँ पे होगा नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जरा आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 का। पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहा जी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीए इंटर में आया हुआ क्वेश्चन, आपको एक बार चेक करते हैं। अ कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ 1,25,000 शेयर 100 रुपए वाले, 50 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब देखो आप कितने बड़े बेवकूफ है, मैं यहां पर साबित करूंगा। एग्जाम में सब कुछ समझाया है, सब कुछ जानते हो, फिर भी गलतियां करोगे आप। मैं आपको प्रूफ करूंगा यहां पर, देखना कैसे आप गलतियां करोगे। चार लोगों ने अंडरराइट किया जी, एबीसीडी प्रोपोर्शन बता रहा, 30, 25, 25, 20 आपका। मैं लिख दूं शॉर्ट में क्वेश्चन आपका, कहता है कि ए बी सी और डी चार लोग हैं, इनके जो ग्रॉस लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी कहता है ए का आपका 30%, बी का कहता है 25%, सी का कहता है 25% और डी का कहता है कि आपका यहाँ पे 20% है। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी, आगे बढ़ना। अंडर टर्म्स अग्रीड अपन, कमीशन कहता है कि 2% वॉज पेबल। लो ये कहता है कि कमीशन 2% पे करना है। आप बताओ ये 2% कह रहा है, क्या कोई झगड़ा करोगे इसके साथ आप कि सर आपने तो 5% लिखाया था? नहीं सर, नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। हमने कहा था वहां पे मैक्सिमम कमीशन है बच्चे, मैक्सिमम। अगर एग्रीमेंट 2% का हो तो 2% ही देंगे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ, आगे बढ़ो। आप कहता कि ए बी सी डी अग्रीड हुए फर्म अंडरराइटिंग के लिए। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि जो शेयर्स आप लोगों को खुद चाहिए अपने लिए, वो आप कितना डिमांड कर रहे हो जी? जरा पढ़ना यहाँ पे। सर ए डिमांड कर रहा है 4,000 शेयर्स का। बी कहता कि मुझे 6,000 शेयर्स चाहिए। सी कुछ नहीं मांग रहा है और डी कहता है कि मुझे यहाँ पे 15,000 शेयर्स चाहिए। देख रहे हो आप, कुछ खास दम थोड़े क्वेश्चन में। आगे बढ़ना जी। टोटल सब्सक्रिप्शन, ध्यान से मैं लिखूंगा पूरा लाइन। कहता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन यानी कि टोटल जो शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, खरीदे गए हैं, कहता है कि
एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडरराइटिंग, अच्छा कहता है कि इसमें एक्सक्लूडिंग है फ्रॉम अंडरराइटिंग, मतलब जिन शेयर्स को अंडरराइटर्स ने खुद लिया अपने लिए वो इसके अंदर नहीं मिले हुए बच्चे आपका। कहता है इंक्लूडिंग मार्क्ड, अच्छा टोटल आपका कहता है कि जो है इंक्लूडिंग मार्क्ड, देख रहे हो लैंग्वेज कितना क्लियर कर रहा है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत क्लियर शब्दों में वो लिखा रहेगा, आपको यहाँ कुछ सोचना थोड़े पड़ता है, बस आप इंटरप्रेट कर लेना। ये कहता है कि 90,000 शेयर्स का, अब बताओ क्या मतलब निकल के आ रहा है। कहता कि टोटल जो आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आए हैं टोटल जी, जिसमें कहता है कि एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मतलब जिसमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं मिला हुआ वो अलग से बच्चे अलग से, तो बताओ ये 90 में क्या मिला हुआ है। एक तो कहता है कि इसमें मार्क्ड है, और क्या होगा जी, अगर तीन चीज तो होता है, एक फर्म अंडरराइटिंग, एक मार्क्ड, एक अनमार्क्ड। वो कहता है कि इस 90 में फर्म अंडरराइटिंग नहीं है, तो फिर है क्या, मार्क्ड है और अनमार्क्ड है, यही हुआ ना बच्चे। सर हाँ, इसमें फिर मार्क्ड और अनमार्क्ड आपका हुआ, जरा चेक करो 90 में से मार्क कितना बता रहा। वो कह रहा जी इसमें से कि इस 90 में जो मार्क्ड है, मार्क्ड एप्लीकेशन आपका, मार्क्ड एप्लीकेशन, वो कहता है ए बी सी डी, पढ़ो जरा कितना जी। ए का कहता है कि 24,000, बी के नाम से मार्क कितना है जी 20,000, सी के नाम से मार्क कितना है सर 12,000, और डी के नाम से मार्क कितना है सर 24,000। तो ये मेरे बच्चे ये मार्क्ड हो गए, मार्क्ड, जरा देखो टोटल मार्क कितना हो गया 80,000। तो 90 में 80 मार्क्ड है, तो जरा बताओ अनमार्क कितने हो गए, अनमार्क कितने हो गए, आप बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हो गए। सर 90 में 80 मार्क्ड है, तो 10,000 क्या हो गया आपका जी अनमार्क्ड, यही हुआ ना बच्चे। 90 में अगर 80 आपका मार्क्ड है तो 10,000 क्या हो गया आपका अनमार्क्ड हो गया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपका यहाँ पे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी, आगे बताओ सर आगे। कहता कि एज सर्टन द लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स एंड ऑल्सो शो एंट्रीज, एंट्रीज सर नहीं बताऊंगा, एंट्रीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, ऐसे सोल्यूशन मैंने एंट्रीज दिया भी है, एंट्री करने के हजारों तरीके होते हैं, लेकिन जो सवाल मुझे आपसे पूछना है देखता हूँ कि आप उसका सही जवाब दे पाते कि नहीं। विश्वास है, विश्वास हो बच्चे आप में से हर एक बच्चे पे, आप बदमाशी करोगे, गलत ही जवाब दोगे, गलत ही जवाब दोगे, आप सही जवाब थोड़े देते हो, कभी नहीं देते। सर पूछो ना सवाल क्या है, मैं सवाल बाद में पूछूंगा, पहले आपको क्या करता हूँ, पहले मैं इसका कैलकुलेशन दिखाऊँ बच्चे आपका। ये देखो आप पहले बताओ ये टोटल कितना हो गया फॉर्म राइटिंग वाले, तो सर ये 15 और 25,000, तो आप देखो ना 25 ये बिक गए और 90 ये बिक गया, 90 प्लस 25 कितना हो गया 115, टोटल शेयर्स इशू कितना किया गया था 125,000, 125 में 115 शेयर्स बिक चुके हैं, 10,000 की कमी है, कौन लेगा वही निकालना, ध्यान रखना शॉर्ट कितना है जी 10,000, कौन लेगा उसको हमें निकालना है। आइए जरा इसको करने के लिए सॉल्यूशन में, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी, आप यहां पे नेट लाइबिलिटी जो है आप उसको यहां पे पता कर रहे हो अंडरराइटर्स का। लिखो नाम, चार नाम है जी, एक यहां पे ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, आपका चार लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। जरा बताओ इन चारों की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है, तो सर जो ग्रॉस लाइबिलिटी है चारों की, ए का 30%, जरा बताओ टोटल शेयर्स कितना था 125,000, 125 इशू किया गया था बच्चे, तो जरा बताओ 125,000 का 25% कितना, 30% कितना हो जाएगा सर, 125 का 30% आपका 37,500, ठीक है। जरा बताओ 125,000 का 25% कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 31,250। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा, सेम जी 31,250, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 125,000 का 20% आप जब निकालेंगे ये हो गया 25,000 आपका, ठीक है ना सर? हाँ, तो मेरे बच्चे ये हो गया आपका ग्रॉस लाइबिलिटी। आई बात समझ में, शुरू करूँ मैं, आप बताओ पहले क्या माइनस करोगे सर, मार्क्ड ना बच्चे ना, आप ऐसी आदत ना डालो, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में माइनस कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस ही तो करना है सबको, कोई भी कर लो, जरूरी नहीं कि पहले मार्क्ड ही करेंगे, बट चलो कोई बात नहीं, आपने कह ही दिया
तो पहले मैं मार्क्ड जो है जितने जितने शेयर्स आप लोगों ने खुद बेचे हैं जी, उनका बेनिफिट पहले मैं आपके अकाउंट में दे दूं 12,000, और आपका कितना जी 24,000 मार्क्ड हो गया। अब बताओ जरा अनमार्क कितने हैं जी, अनमार्क्ड तो एक बार चेक करते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जिन शेयर्स को आप लोगों ने ना बेचकर किसने बेचा है, कंपनी ने बेचा, बचे कंपनी ने, उनका बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कितने थे 10,000। रेशियो क्या होगा सर, यही तो रेशियो होगा, यानी कि रेशियो बनाइए 5 से काट दो, हाँ जी सर 6:5:5:4 आपका यही हुआ ना सर, हाँ तो बताओ ना कितना होगा आपका 10,000 था अनमार्क्ड, अगर 10,000 को हमने डिवाइड किया कितना हो गया जी 20 से, और इनटू किया आपने 6, ये हो गया आपका 3,000। यहाँ पे आपने क्या किया 3,000 को हटाया, यहाँ कितना हो गया 2,500, यहाँ कितना हो गया 2,500, और यहाँ कितना हो गया आपका 2,000, ये हो गया अनमार्क्ड। फिर आप एक काम करो, जिन शेयर्स को आप लोगों ने खुद परचेज किया है अपने लिए यानी कि फर्म अंडरराइटिंग, उसका बेनिफिट आप इन सबको दीजिए जी अपना अपना। आपने 4 मांगे थे, 4 हम आपको दे देंगे, आपने मांगे थे 6, हम 6 आपको दे देंगे, आपने नील मांगे थे नील दीजिए, और आपने मांगे थे 15, हम यहाँ पे 15 देंगे। तो चलो बताओ अब इनकी नेट लाइबिलिटी क्या बनती है, चेक करते हैं जी हम लोग। ना ना अभी नेट लाइबिलिटी नहीं, अभी तो आएगा। इनको 37,500 बेचना था, कितना बिक गया सर 37,500 शेयर्स बेचने थे, अगर हम देखें तो शेयर्स कितना बिक गया 31,24,27,31, तो 6,500 शेयर्स की कमी है। इनको 31,250 बेचना था, कितना बिक गया जी सर 31,250 में इनका 22,28,500 बिक गया 28,500, तो यहाँ पे 2,750 आ गया बच्चे। इनका बताइए कितना 31,250 में आप 14,500 हटा दीजिए तो कितना हो गया 16,750, और इनका 25,000 बेचना था, ज़्यादा कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा बिक गया बच्चे 24,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 आपने तो कहीं ज़्यादा बेच दिया 41, बेचना कितना था 25,000, तो देखो 16,000 शेयर्स इनके हिस्से में ज़्यादा बिक गया 16,000। क्या करूँगा तो सर ये जो सरप्लस है, अगले स्टेप में जो सरप्लस होगा, सरप्लस ऑफ आपका डी ट्रांसफर टू किसको जी आपका ए बी एंड सी, रेशियो बताइए सर, रेशियो तो यही हो जाएगा 6:5:5 आपका रेशियो तो यही है बच्चे आपका। तो आप एक काम करो 16,000 यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे क्या किया जी 6,000, यहाँ कितना 5,000, और यहाँ कितना 5,000 आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब देखो ना 6,500 मैंने से 500 यहाँ रह गया, ये कितना हो गया, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 2,250 अब इसका नेगेटिव आ गया, देख रहे हो इनको 2,750 शेयर्स लेने थे लेकिन डी का जो बेनिफिट 5,000 का ट्रांसफर किया इससे इनके समय ज़्यादा शेयर्स बिक गया जी, अब ज़्यादा बिक गया सर, क्या करें कोई बात नहीं। आगे देखो ना, पहले यहाँ क्या निकल गया है 11,750, यहाँ तो नील हो चुका है सर, वो तो ठीक है बट इसका क्या करें, टेंशन क्यों लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो। आप एक काम करो, अगर किसी के अकाउंट में सरप्लस आ चुका है तो फिर से वही स्टेप दोहराओ जो स्टेप आपने पहले किया था, मतलब सर ये देखो आप यहां बोलेंगे सरप्लस ऑफ, क्या नाम है इसका जी बी, सरप्लस ऑफ बी ट्रांसफर टू अब किसको जी, अगर आपके हिस्से में ज्यादा हो गया तो जिनमें शॉर्ट हो रहा हम उसमें ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू आपका ए एंड सी जरा बताओ बी का सरप्लस ट्रांसफर करेंगे ए एंड सी में किस रेशियो में, तो इन रेशियो ऑफ अगेन ग्रॉस लायबिलिटी आपका, और जरा बताओ ए और सी का रेशियो क्या है जी सर, ए का 6 है सी का 5 है, इन रेशियो ऑफ 6:5 आपका। तो ये काम करना आप यहाँ से 2,250 हटा दो और 6:5 में ट्रांसफर करो, जरा क्या निकल के आता है 2,250 में डिवाइड बाई 11 इंटू आपका 6 सर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, आने दो क्या जाता है, तो आपने क्या किया जी 1,227 आपने यहाँ माइनस किया 1,227 और वहाँ कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 6:5 ये आ गया 1,023 ये आ गया बच्चे 1,023 आपका।
और ये आपका नील तो पहले ही हो चुका है। अब चेक करो दोबारा आप वही काम। ओह ये क्या, अरे ये क्या हुआ, 500 और 1200 इतना, ये तो 727 अब इनका सरप्लस आ गया। सर ये क्या हो रहा है, सर आज क्या हो रहा है? कोई बात नहीं बच्चे, आप करो तो ये नील हो चुका आपका। ये आपका जरा बताओ कितना बच गया, तो 11750 में से आपने 1023 को माइनस किया, ये हो गया 10727 और ये क्या हो चुका आपका, नील हो चुका है बच्चे, नील हो चुका है। देख रहे हैं आप, फिर से वही मुसीबत, अब इनका सरप्लस आ गया इनका, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, वही काम करो ना, ये तब तक होगा जब तक ये सरप्लस आते रहेगा। अब आप अगले स्टेप में, जगह है ना हमारे पास सर, हाँ आप बोलेंगे सरप्लस ऑफ आपका ए ट्रांसफर टू, किसको दिया जाएगा जी, सर सी, सरप्लस ऑफ ए ट्रांसफर टू सी। अब देखो एक ही तो है, एक ही में तो ट्रांसफर करना है, 727 यहाँ से हटा दो और उस 727 आप क्या करो यहाँ से माइनस करो, इनका तो पहले से नील हो चुका है। आप चेक करते हैं कि आखिर नेट लायबिलिटी क्या बनती है, नेट लायबिलिटी यहाँ पे जगह है अभी हमारे पास सर, हाँ तो नेट लायबिलिटी कितना बन गया जी, आप देखो ये तो नील हो गया, ये भी नील हो गया बच्चे, ये कितना 10,000 और ये कितना हो गया नील आपका, मतलब कि अल्टीमेटली जो 10,000 का शॉर्ट हो रहा था ना बच्चे, ये देखो लिखा था मैंने आपके लिए, ये शॉर्ट कौन लेगा आपका जी, कौन परचेज करेगा, सर सी को परचेज करना पड़ेगा, सी को। आई बात समझ में सर? हाँ सर, ये तो अच्छा लगा क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा था कि आपने क्या किया, ग्रॉस लायबिलिटी में मार्क्ड अनमार्क्ड फर्म अंडरराइटिंग को माइनस किया, फिर जिनका सरप्लस आया था उनका सरप्लस हमने बाकी में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद क्या दिखा दिया, किसी और का सरप्लस आ गया तो उनका सरप्लस हमने बाकी दोनों में ट्रांसफर किया, फिर सरप्लस आ गया, मतलब जब तक सरप्लस आएगा रिमेनिंग में आपको ट्रांसफर करना है, अपने आप लास्ट में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में सर? हाँ सर, तो प्लीज कॉपी कर लो, मैं इधर मिटाता हूँ। सर एक सवाल आप पूछने वाले थे, वो क्या सवाल है आप बताओ ना, आप समझते हो कि मतलब बड़ा आप इंटेलिजेंट हो और हम बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है सर, आप पूछो हम जवाब दे देंगे आपका, पक्का जवाब दे दोगे, दे दोगे जवाब सर? हाँ तो रुको जाओ, पहले चाय पी लो, थोड़ा सा चाय भी ठंडी हो गई है, बताओ क्या करूं मैं। चलो कोई बात नहीं, सुनो सवाल, मेरा सवाल क्या है, देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। जरा मुझे ये बताओ, थर्ड का पढ़ना फर्स्ट लाइन, अ कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ 125,000 शेयर्स, 100 रुपए वाले, 50 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। मेरी बात सुनो, ऐसे तो शेयर 100 रुपए का है लेकिन एप्लीकेशन पे सिर्फ 50 रुपए मंगाना है, तो देखो जगह यहां पे मेरे पास नहीं है बच्चे, मैं इसलिए यहां जो लिखना था वो कमीशन यहां दिखा रहा हूं मैं, कि ए बी सी डी का जो अंडरराइटिंग कमीशन आप निकालेंगे, जब आप इनका अंडरराइटिंग कमीशन निकालेंगे तो मुझे ये बताओ कमीशन जो पे किया जाएगा, एक तो पहले मैं बता दूं क्वेश्चन में कहा था 2% था ना, हाँ तो वहां तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, परसेंटेज तो 2% ही होगा। ग्रॉस लायबिलिटी यानी कि 37,500, ये भी ठीक है जी 37,500, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो यहां पे अमाउंट मल्टीप्लाई होगा वो 100 होगा कि 50 होगा, शेयर 100 रुपए का है लेकिन एप्लीकेशन में 50 रुपए मंगा रहे हो, तो कमीशन जो पे करना चाहिए शुड इट बी ऑन 100 और 50 आपका, आप बताओ 100 या 50, बोलना नहीं आपको। सुनो कितने बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे 100 होगा, जरा हाथ रज करना, जरा हाथ रज करना जी, कितने बच्चे बोलते हैं कि सर 100 होगा, अरे कितने बच्चे बोलते हैं कि 100 होगा, हाथ रेज करो, देख रहा हूं मैं आपको, अरे 100 होगा, कितने बच्चे, आप देखो कोई हाथ नहीं उठाया है, चलो 50 होगा, जरा हाथ रेज करना 50, ये देखो दो चार बच्चे दिख रहे हैं 50 वाले बदमाश। मैंने क्या लिखा था, कमीशन जो पे करेंगे रेट इंटू ग्रॉस लेवटी इंटू इशू प्राइस, इशू प्राइस याद कीजिए, लिखा था इशू प्राइस, आप बताओ इशू प्राइस यहां पे 100 रुपए की 50 रुपए, सर इशू प्राइस तो 100 रुपए, अरे हम एप्लीकेशन पे 50 रुपए मंगा रहे हैं, आगे बाकी पैसा तो मंगाएंगे मंगाएंगे, ऐसा थोड़े कि पैसा छोड़ देंगे, तो इशू तो 100 रुपए है ना बच्चे, सारे बच्चे गलत, सारे बच्चे गलत। अगर इशू आपका 100 रुपए है तो आपने क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से
एप्लीकेशन पे आप कितना भी मंगाओ क्या फर्क पड़ता है, जो इश्यू प्राइस होगा उसी पर हम कमीशन निकालेंगे। तो चलो बताओ कितना हो जाएगा जी, 37,500 इंटू आपका 100 इंटू आपका 2%, मेरे बच्चे ये आ गया आपका 75, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, 37,500 इंटू आपका 100 ये हो गया और इसका 2% आपका ये आ गया, ये कैसे हो सकता है, 37,500 इंटू आपका 100 ये आ गया और इसका 2% कितना आएगा, 75,000, ठीक है वही सोचो पता नहीं क्या हो रहा था, 75 यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो 2% आप निकालेंगे 31,250 इंटू आपका 100 एंड सो ऑन, आप बाकी सबका निकाल लेंगे आपका, ठीक है जी, यही काम करेंगे ना बच्चे, सर हाँ ठीक है सर, ठीक है समझ गया मैं आपका, समझ गया आपकी बात सर, समझ गया। तो आप देखो ना क्वेश्चन में कहाँ कुछ दम था, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने कुछ भी तो नहीं पढ़ाया, मैंने क्या किया जी आपको यहाँ पे 3-4 तरीके का आपको बता दिया, जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग, एक आपका था वहाँ पे याद कीजिए ग्रॉस लायबिलिटी, एक था मार्क्ड, एक था अनमार्क्ड, एक हो गया फर्म अंडरराइटिंग, और फिर आपने एक देखा वहाँ पे जी आपका क्या बोलते हैं नेट लायबिलिटी, और कभी कभी टोटल लायबिलिटी निकालने का होगा तो निकाल लेंगे अगर केस फर्म अंडरराइटिंग का होगा तो। अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नहीं कराने वाला, करना आपने बच्चे, मैं नहीं कराऊंगा, आपसे बताओ कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, पढ़िए पांचवा क्वेश्चन बुकलेट का, पांचवा क्वेश्चन बनेगा, पांचवा क्वेश्चन, नॉर्मन लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स विच वर अंडर रिटन एज फॉलो, 80,000 शेयर्स इशू किया गया है, कहता है कि तीन अंडर राइटर्स है, देख रहे हैं आप, कहता है कि टोटल शेयर्स जो आपने इशू किया है जी वो कितने बच्चे 80,000, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन, ये घर में करना आपने, मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं बच्चे आपको, यहाँ पे कहता है कि 80,000 शेयर्स आपने इशू किया है, तीन लोगों ने अंडरराइट किया जी, ए बी सी शॉर्ट में उनका नाम, ए कहता कि 48,000 की गारंटी देता हूँ, बी कहता कि मेरी गारंटी 20,000 शेयर्स की है, और सी कहता है कि मेरी गारंटी यहां पे 12,000 शेयर्स की है, यही गारंटी है ना बच्चे, सर हाँ, कहता कि अबव मेंशन अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, अच्छा अब बात कर रहा जी, ये तो गारंटी था ना फर्म अंडरराइटिंग, खुद जो चाहते हैं आपका अपने लिए, ए कहता है कि 6,400 दे दो, बी कहता है कि 8,000 शेयर्स मुझे दे दो जी, और सी कहता है कि 2,400 शेयर्स आपको, ये तो ठीक है फॉर्म अंडरराइटिंग आपका हो गया, ये तो आपको आता है, फिर आगे पढ़ना, कहता है कि टोटल एप्लीकेशन जो आया है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, अभी पिछला जो किया था वैसे ही लैंग्वेज आपका है, बट इंक्लूडिंग मार्क्ड, मतलब मार्क्ड और प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कहता है जी मिला के आपका कितना हो गया बच्चे, मार्क्ड और अनमार्क्ड मिला के कहता है कि टोटल आपके 40,000 शेयर्स आए हैं, 40, इनमें से कहता है कि जो मार्क्ड है, मार्क्ड वो कितना बता रहा आपका, तो ए बी और सी, ए ने जो बेचा है जी 8,000, बी ने बेचा है 10,000 और सी ने कितना बेचा, 4,000 आपका, तो बताओ मार्क्ड कितने हो गए सर, 22,000, तो जरा बताओ 40 में मार्क्ड हो गए 22, तो अनमार्क कितना हो गया, अनमार्क्ड सर, अनमार्क्ड आपका निकल के आ गया कितना जी, जरा देखो आपका 40-22 यानी कि 18,000, ये हुआ ना बच्चे, सर हाँ बताओ इससे प्यारा क्वेश्चन क्या होगा, सीए इंटर का क्वेश्चन आपका है, कहता कि अंडरराइटर्स कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट, ध्यान से पढ़ना, अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फॉर्म एप्लीकेशन, जो फॉर्म एप्लीकेशन है मतलब जो आप लोगों ने खुद लिया जी अपने अपने, इनका क्रेडिट आपको ही मिलेगा, फिर से पढ़ो, अंडरराइटर्स अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अंडरराइटर्स भी गिवन क्रेडिट फॉर फॉर्म एप्लीकेशन, का मतलब होता है कि जो आपने फॉर्म एप्लीकेशन यानी कि अपने लिए जो शेयर्स मांगा है उनका क्रेडिट आपको ही दिया जाएगा, अरे जो शेयर्स आपने मांगा है अपने लिए उनका क्रेडिट आपको ही दिया जाएगा, तो वही तो करते आ रहे, जो शेयर्स आपने मांगा उसका क्रेडिट यानी कि उसका बेनिफिट हम आप ही को देंगे, कोई नई बात थोड़े बता रहा है, ये तो हमें पता जी पहले से, और कहता है आगे पढ़ना कि क्रेडिट फॉर जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है टू बी गिवेन इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स एंड रिटर्न आपका,
कहता है कि जो अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड, ये जो अनमार्क्ड है वो कहता है कि जो जिस रेशियो में आपने शेयर्स अंडरराइट किया है उसी रेशियो में, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में हमें क्या करना है जी, आपके अकाउंट में माइनस करना है। वही तो करते हैं बच्चे, फर्म अंडरराइटिंग हम आपका आपका बेनिफिट अपने आप को देते हैं, जो अनमार्क्ड होता है वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो, वो कहता है कि वही काम करो, वो कह रहा है कि वो काम करो। सीए इंटर नोवो 97 का क्वेश्चन आपका है, बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम है, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा जी। वो बोलता है बताओ कैसे लायबिलिटी निकालोगे, सर हाँ सर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है बच्चे ये बन जाएगा आपसे। अब देखो टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है, मैं आपको बिलीव कराता हूँ कि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नया है ही नहीं। बस एक बात समझ लो, एक बात, और फिर आप घर चले जाओ, नहीं रोकता मैं आपको, एक बात समझ लो फिर घर चले जाओ, नहीं रोकता। और ये टॉपिक खत्म है आपका बच्चे, ये टॉपिक खत्म है आपका, जरा सुनो ध्यान से। पता है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था, उस क्वेश्चन में बच्चे परेशान हो गए थे, क्वेश्चन में दम नहीं था, बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था बच्चे, लैंग्वेज बेस्ड, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा जो आपको मैंने समझाया है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे लैंग्वेज आ जाते हैं जहां पे हमें परेशानी क्रिएट हो जाती है, हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाऊं और आपको समझाऊं और सारी दिक्कतें खत्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आप जरा आइए, सिक्स क्वेश्चन लिख देंगे आप यहाँ पे, सोल्यूशन कर रहे हैं आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स का, और लिख देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, और लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड क्वेश्चन आपका। लैंग्वेज बेस्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ बोल देगा लैंग्वेज में, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा हटके बात होगा बच्चे। यहाँ पे पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन क्या बता रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं होगा। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रिजोल्व टू इशू 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। ये लो, कहता कि एक कंपनी है जी, एक कंपनी है, वो कंपनी कहती है कि 10 लाख शेयर्स इशू करेंगी, इन्होंने 10 लाख शेयर्स बेचने हैं, किस रेट से, एट द रेट ऑफ ₹11, 11, 10 रुपये के शेयर, 1 रुपये का प्रीमियम, इनकी 11 रुपये हो गया। कहता कि इनमें से 1 लाख जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टर्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके एसोसिएट्स ने, फ्रेंड्स ने परचेज कर लिया। ओहो, 10 लाख में से कहता कि 1 लाख जो शेयर्स हैं वो तो ऐसे ही बिक गए। कहता कि 1 लाख शेयर्स जो आपके हैं टेकन बाय डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, शॉर्ट में इतना काफी लिखना समझाने के लिए, उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने क्या किया, 1 लाख शेयर्स ले लिया। अब सुनने मेरी बात, 1 लाख शेयर्स क्या हुआ कि डायरेक्टर्स जो थे बच्चे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनके रिलेटिव्स ने परचेज कर लिया, 10 लाख में 1 लाख शेयर्स बिक गए। आई बात समझ में सर, हाँ हाँ सर, आगे बढ़ो, मुझे बताओ ना, आगे बढ़ने के पहले जो शेयर्स बिक गया, हमें पहले से पता है कि बिक गया, क्या उनके लिए एग्रीमेंट करोगे किसी के साथ कि भैया ना बिके तो आप ले लेना जी? नहीं सर, नहीं। अरे जो शेयर्स ऑलरेडी बिक गए उनके लिए क्या एग्रीमेंट करना, उनके लिए क्या एग्रीमेंट करना, इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। तो 10 लाख में 1 लाख शेयर्स तो बिक गए, जरा बताओ बाकी कितना बच गया, 9 लाख शेयर्स आपका, इनके लिए क्या हुआ, जरा पढ़ो एक बार, 9 लाख शेयर्स के बारे में क्या बता रहा है, पढ़ो जी। कहता है कि रिमेनिंग शेयर्स ऑफर टू पब्लिक, यही 9 लाख शेयर्स कहता है, ऑफर्ड यानी कि हमने सोचा कि बेचेंगे, ऑफर्ड टू पब्लिक आपका, पब्लिक को हमने कहा कि 9 लाख शेयर्स बेचेंगे। आगे पढ़ना, एंटायर अमाउंट बीइंग आस्क्ड विद द एप्लीकेशन, सारा पैसा आपको एप्लीकेशन में ही माना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 50 रुपये मंगाया था, बोला था कि बाकी पैसा बाद में, वो यहाँ नहीं बोल रहा, बोला सारा पैसा एक बार में जी। अच्छा, इश्यू वाज अंडरराइटन बाय एक्स वाई जेड, 3 लोग आ गए इसको अंडरराइट करने के लिए जी, कितने को, इस 9 लाख को बच्चे, 9 लाख शेयर्स को अंडरराइट करने के लिए एक्स वाई जेड 3 लोग आ गए, और कहते हैं कि इनका जो कमीशन होगा वो 2% होगा ऑफ द इशू प्राइस, जो बोलेगा वो काम करेंगे, ठीक है। 65% कहता है कि जो इशू ये हुआ जी, वो कहता है कि इन्होंने गारंटी दी आपका 65% का, 25% की गारंटी आपके तरफ से आई है, और 10% की गारंटी आपके तरफ से, 65, 25, 10 कितना हो गया सर, 100% आपका, ठीक है। फिर कहता है कि
फर्म अंडरराइटिंग, अच्छा इन लोगों को शेयर्स चाहिए अपने लिए, फर्म अंडरराइटिंग, ध्यान से मेरे बच्चे बस यहीं से थोड़ा समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता कि एक्स वाई जेड ने कहा कि भैया मुझे चाहिए 30,000 शेयर्स, वाई कहता कि मुझे भी चाहिए 20,000 शेयर्स, जेड कहता कि मुझे भी चाहिए 10,000 शेयर्स। एक्स वाई जेड ने क्या कहा जी, कहा कि इतने इतने शेयर्स मुझे चाहिए आपका, ठीक है ना सर? हाँ, अच्छा आगे पढ़ना, ये मैं लिख दूँ जी, ये क्या था बच्चे, फॉर्म अंडरराइटिंग आपका। देखो अब आगे क्या बोल रहा है, मेन लैंग्वेज पे आइए, आप करेंगे मेरे साथ अंडरलाइन बच्चे, आगे जो पढ़ूंगा आप उसे करेंगे अंडरलाइन। अंडरराइटर्स वे टू सबमिट, पढ़िए आप, अंडरराइटर्स वे टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अनरिटन फॉर्म विद फुल एप्लीकेशन मनी अलोंग विथ मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक। इस पूरे लाइन को करेंगे आप अंडरलाइन, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, अंडरराइटर्स वे टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अंडरराइटर्स सबमिट करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अनरिटन फॉर्म, जो वो फॉर्म अंडरराइटिंग में शेयर्स ले रहे हैं उनका भी एप्लीकेशन क्या जाएगा जी, अनमार्क के रूप में जाएगा, विद फुल एप्लीकेशन मनी अलोंग विथ मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक। आप इसको अंडरलाइन कर लो, फिर मैं इसका मीनिंग पहले समझाता हूं, पहले आप इसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। वो क्या बोलना चाहता है मैं आपको बताऊं, पता वो क्या बोल रहा है, कहता कि जिन शेयर्स को आप लोगों ने खुद परचेज करना है, पहले बताओ अभी तक क्या होता था जी, अभी तक क्या करते थे बच्चे, इन शेयर्स को हम अलग से ट्रीटमेंट करते थे, जितने शेयर्स एक्स ने लिया वो एक्स की लायबिलिटी में से माइनस हो जाता था, नेट लायबिलिटी निकालते समय जी, वाई का जो था वो वाई में से माइनस हो जाता था, जेड का जेड, यही काम करते थे ना बच्चे, नेट लायबिलिटी निकालते समय जितने शेयर्स आपने ले लिए अपने लिए हम वो माइनस किए इनका और इनका आपका, ये काम होता था। बट इस क्वेश्चन मना कर रहा बच्चे, यहां मना कर रहा है, वो कहता कि ऐसा नहीं होगा, कहता कि देखो जी अगर आपको अपने लिए शेयर्स चाहिए अपने लिए तो ये भी आएंगे, इनका भी जो एप्लीकेशन आएगा वो एप्लीकेशन जो कंपनी में आएगा वो आएगा एज अनमार्क्ड, एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन ग्रुप में आपका आएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहते कि जिन शेयर्स को आप लोगों ने चाहिए अपने लिए उन शेयर्स का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, अगर आप लोगों को शेयर्स चाहिए तो आपको अनमार्क्ड, अनमार्क का मतलब क्या, जो पब्लिक से शेयर्स आ रहे हैं, पब्लिक से जो अप्लाई हो रहे हैं उनके साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो कह भी रहा है कि एप्लीकेशन जो आएगा जी अनमार्क अलोंग विथ, अलोंग विथ वो कहता है कि जनरल पब्लिक, यानी कि पब्लिक के साथ ही आएगा, पब्लिक के साथ। सर क्या मतलब निकल के आता है, और एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जी, क्या बता रहा, दोबारा पढ़िए मेरे साथ, दोबारा पढ़ोगे मुझे मजा आता पढ़ने के लिए, पढ़ना जो हमने अनलर्न कराया था। अंडरराइटर्स वे टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अनरिटन फॉर्म विद फुल एप्लीकेशन मनी अलोंग विथ मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक आपका। वो कहते कि देखो जी अगर आप लोगों को शेयर्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन अनमार्क्ड भेजना पड़ेगा, अनमार्क्ड। यानी कि मेरे बच्चे इनको कहा गया कि हम अब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अगर शेयर्स आप लोगों को चाहिए तो आप एक काम करो जी, आप जो पब्लिक एप्लीकेशन भेजेगी ना, पब्लिक जो भेजेगी उनके साथ आपको भेजना पड़ेगा, और हाँ वो अनमार्क्ड होंगे, अनमार्क्ड, मार्क्ड नहीं होंगे, मतलब ये नहीं कि आप अपने नाम से भेज दो, वो अनमार्क्ड रूप में आपका किया जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये निकल के आता है कि जो शेयर्स आप लोगों को चाहिए उनका ट्रीटमेंट अनमार्क्ड रूप में ही होगा। अनमार्क का मतलब क्या होता था जी, याद है आपको? सर हाँ, अनमार्क हम आप तीनों में डिवाइड करते थे आपके ग्रोस लायबिलिटी के रेशियो में आपका, वही काम करना बच्चे यहाँ पे। जरा पढ़ना आगे क्या बता रहा है, आगे पढ़ना, कहता कि मार्क्ड एप्लीकेशन कहता है कुछ इस तरीके का आपका है, वो कहता है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन में आपका, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जिन शेयर्स को इन्होंने बेचा है जी अपने रेफरेंस से पब्लिक को, जरा देखो एक्स ने कितना बेचा है सर, 119,500, वाई ने कितना बेचा है 57,500, सर ये नहीं समझ में आप ठीक से, कोई बात लिखो तो पहले यहाँ पे मैं समझाऊंगा, जेड कितना 10,500 आपका, ये वो शेयर्स हैं जिसको एक्स वाई जेड ने बेचा है जी आपका पब्लिक को। अब आगे पढ़ना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड टोटल, कहता है कि जो हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन आए हैं, अनमार्क्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं, वो कहता है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास आए हैं टोटल 7,00,000,
ये टोटल जो आपके पास आए हैं जी अनमार्क्ड एप्लीकेशन, वो कहता है कि 7 लाख आपका है। सर थोड़ा समय दो ना एक बार क्वेश्चन पढ़ने का, पढ़ लो ना, फिर पढ़ लो, पढ़ो, मैं भी आपके साथ बैठ जाता हूँ 2 मिनट के लिए। आप कब से बैठो, मैं ही खड़ा हूँ कब से, लो मैं भी बैठ गया। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोकने वाला आपको, पढ़ो एक बार जरा इसी लाइन को पढ़ना जो मैंने अंडरलाइन किया था, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी, मैं फिर आपको समझा दूंगा और क्लियरिटी आ जाएगी। पढ़ो आप, पढ़ो, फिर पढ़ने दो ना, बोलो मत, ठीक है ठीक है, आप पढ़ो जल्दी से, 1 मिनट के लिए पढ़ो जल्दी से। पढ़ लो आप, पढ़ लो बच्चे, नहीं रुकूंगा मैं आपको। पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया बच्चों, अरे पढ़ लिया आपने सर, हाँ सर पढ़ लिया, बताओ क्या है। देखो क्या बोल रहा है, कहता कि 10 लाख शेयर्स में 1 लाख तो बिक गया, ऐसे ही 9 लाख हमने पब्लिक को बेचने को सोचा जी, लेकिन जब इन्होंने जो अंडरराइटर्स हैं उन्होंने कहा कि मुझे 30 दो, मुझे 20 दो, मुझे 10 दो, हमने कहा कि अगर आपको शेयर्स चाहिए तो वो एप्लीकेशन अनमार्क के रूप में आएगा हमारे पास। अनमार्क के रूप में आने के दो मतलब निकल के आते हैं कि अगर ये अनमार्क के रूप में आए तो मेरे बच्चे ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो आपके हैं, ये जो है वो भी इस 7 लाख के अंदर मिले हुए हैं। टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन अगर 7 लाख आया है तो जिनको, जिन शेयर्स को आप लोगों ने खुद डिमांड किया अपने लिए और उनका एप्लीकेशन एज अनमार्क्ड ही आपने दिया है, तो ये एप्लीकेशन भी क्या ये 7 लाख के अंदर मिले हुए, इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चे, नहीं होना चाहिए। बात सुन मारी सर, हाँ सर हाँ, ये तो ठीक बोल रहे हो आप कि अगर आपने शेयर्स लेना है अपने लिए और कंपनी ने कहा है कि अगर शेयर्स आप लोगों को चाहिए तो एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन ही भेजना होगा पब्लिक के साथ, तो पब्लिक से टोटल अनमार्क्ड अगर 7 लाख एप्लीकेशन आए हैं तो 7 लाख में ये भी 60 तो मिले ही होंगे जी, यानी कि ये ऑब्वियस बात है कि 60 इसके अंदर मिले हुए, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी कहते हैं कि हम इनका कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हम उनको अनमार्क के रूप में ही ट्रीट करेंगे। इसका मतलब होता है कि ये जो शेयर्स हैं अभी तक जो इसका बेनिफिट हम आपको, इसका आपको और इसको आपको देते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये आपके 7 लाख के अंदर है और उसको हम क्या करेंगे जी, अनमार्क के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अनमार्क के रूप में। मैं इसी को दिखाता हूँ कैसे, आओ जरा क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊँ, लिखिए मेरे साथ सोल्यूशन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ा टफ नहीं है जी, एक लैंग्वेज और कुछ नहीं आपका, लिखिए यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ आपका नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, जो आपके अंडरराइटर्स बच्चे हम उनका नेट लाइबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आप जरा देखो यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, एक्स वाई जेड, आपने यहाँ लिखा एक्स, यहाँ लिखा वाई, यहाँ लिखा जेड, आपने तीन लोग यहाँ पे, तीन लोग हैं। मुझे बताओ इन तीनों की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी कितनी है। सर ग्रॉस लाइबिलिटी जब हम निकालेंगे तो सर बताओ 10 लाख पर निकालो कि 9 लाख पर निकालो, 9 लाख पर निकालो, 10 पे क्यों जी। तो 9 लाख का जरा बताइए आपका 65% कितना आ गया, सर ये आ गया 5,85,000, गुड, सही किया आपने। वाई का कितना हो जाएगा सर, 9 लाख का 25%, ये आ गया 2,25,000, 225 आपका, ये भी ठीक है। आप बताओ 9 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर, 90,000, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब एक काम करो, आप इसमें से माइनस करो जी, पहले तो मार्क्ड एप्लीकेशन जहां कोई झगड़ा ही नहीं है, मार्क्ड यानी कि जिन एप्लीकेशन को आप लोगों ने बेचा है खुद, उसका तो बेनिफिट हम आपको देंगे देंगे। 1,19,500 यहां माइनस करो, 1,19,500 आपका जी 57,500 और आपका बच्चे 10,500, ये आपका हो गया, ठीक है ना सर। हाँ अब लिखना बंद, मेरी बात सुनो। अभी तक हम पता क्या करते थे बच्चे, फर्म अंडरराइटिंग में जो शेयर्स होते थे ना, अभी तक जो काम करते थे अभी तक, यानी कि 30, 20, 10, 60, इसमें से 60 में 30 का बेनिफिट हम आपको देते थे, 20 जितने शेयर्स आपने बेचा उसका बेनिफिट आपको और जो आपने बेचा उसका बेनिफिट आपको अभी तक दिया करते थे। ये रूल भी बच्चे वही काम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोलता कि नहीं जी अगर आप लोगों को शेयर्स चाहिए तो आपको एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन ही भेजना पड़ेगा। अनमार्क्ड
भेजने का मतलब दो निकल के आ गया, एक तो आ गया कि जितने अनमार्क्ड है उसके अंदर में ये भी मिले हुए हैं, और दूसरा मतलब निकल के आ गया कि जो हम काम आपको 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 आपका बेनिफिट देते थे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी अनमार्क के अंदर ही है और अनमार्क के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। तो अनमार्क को जैसे हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करते थे उस तरीके से इसका भी डिवीजन आपका हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से होगा, लिखिए मेरे साथ, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जिसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, आपका ये दिया जाएगा जी किस रेशियो में बचे, ग्रॉस लायबिलिटी का, और रेशियो क्या हो गया 65:25 और इस टू आपका 10, ये रेशियो आपका हो जाएगा। ध्यान रखना पूरे 7 लाख, ये पूरे 7 लाख आपके अनमार्क्ड है जिसमें कि फॉर्म अंडरराइटिंग भी मिला हुआ है। तो बताओ 7 लाख का डिवाइड बाई 100 × 65 कितना हो जाएगा, सर ये आ गया 4,55,455। चलो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो सर आपका कितना था जी, 7 लाख था ना, 7 लाख का × 25 डिवाइड बाई आपका 100, सर ये हो गया आपका 1,75,175, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 लाख का 70,000, ये होगा ना बच्चे आपका, हो गया काम हमारा। बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया, जो 7 लाख शेयर्स थे जो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है बच्चे, ये कहता है कि इनके साथ ही होगा, इसी में होगा आपका, और कहता है कि वो उसको अनमार्क के रूप में ट्रीट करो, यानी कि वो भी शेयर्स क्या होगा जी, आपको उसका बेनिफिट इनको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही जाएगा आपका। आई बात समझ में सर, हाँ सर हाँ, यानी कि अब फर्म अंडरराइटिंग अलग से हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो चलो बताओ ये कितना निकल के आ गया, आपको बिलीव नहीं होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में 16 मार्क्स का है बस सीए में आपका, चेक करो 585 - 1,19,500 और माइनस आपने किया जी 455, एक में गलती हो गया, 585 - 1,19,500 - 455 ये आ गया बच्चे आपका 10,500 आपका शेयर्स। चला बताओ वाई में कितना आ गया, 2,25,000 - 57,500 - 1,75,000, बताओ ये कितना आ गया, देखो ये सरप्लस आ गया बच्चे 7,500 निगेटिव आ गया आपका, और यहाँ कितना 90,000 - कितना हो गया 80,500, ये आ गया बच्चे 9,500 आपका, 9,500, क्योंकि इनका सरप्लस आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सरप्लस ऑफ आपका वाई ट्रांसफर टू किसको जी, आपका एक्स एंड जेड रेशियो बताओ क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या है सर 65:10 आपका, तो आपका 65:10 में डिवाइड कीजिए, आप यहां से 75 को हटाओ, यहां पे 6,500 और यहां कितना हो गया जी 1,000, तो बोलिए कितना निकल के आ गया सर, ये आ गया 4,000, यहाँ नील हो गया और यहाँ हो गया 8,500 आपका, 8,500 है ना बच्चे, ये हो गया आपका नेट लायबिलिटी आपका। जल्दी से हम यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन को पता कर लें, अंडरराइटिंग आपका कमीशन कितना, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जी कमीशन कितना बनेगा, तो आइए चेक करते हैं हम लोग कमीशन कितना बनेगा, कमीशन का रेट कितना क्वेश्चन में था, कमीशन का रेट आपका सर 2%, तो विल टेक 2% ऑन, ध्यान से 5,85,000 इंटू बताइए 5,85 आपका इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस सर इशू 11 रुपये के हिसाब से हुआ है, इंटू 11 का 2%, यहाँ पे जी 2% लिया जाएगा 2,25,000 इंटू आपका 11, और यहाँ पे आपका 2% लिया जाएगा किसका जी 90,000 इंटू आपका 11, तो बताइए कितना आ गया 5,85,000 इंटू 11 इंटू आपका 2%, ये आ गया बच्चे 1,28,700, यहाँ बताइए 2,25,000 इंटू आपका 11 इंटू आपका 2%, ये आ गया 49,500 और यहाँ पे 90,000 इंटू 11 इसका 2% आपका, ये आ गया 19,800 का, ये काम पूरा हो गया। बस एक ही बात ध्यान रखना है जी कि जो फॉर्म अंडरराइटिंग अलग से करते थे वो नहीं करना, वो कहता है कि अनमा के अंदर ही मिला हुआ है और अनमा के रूप में उसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब हम अलग से उसका कुछ नहीं करेंगे आपका, ये काम पूरा हो गया।
तो आइए जरा ये तो हमने समझाया आपको जी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंट्रीज भी मुझे दिखाना है, मुझे मन करता है एग्ज़ाम में एंट्री भी इसका करके दिखा दूँ ताकि आप परेशान ना हो जाए, एग्ज़ाम में आए तो बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और काम ख़त्म आपका। एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्रीज, यहाँ पे जनरल एंट्रीज आप शुरू करेंगे बच्चे। पहला नंबर वन, देखो 1 लाख शेयर्स जो थे, जब बताओ वो किसने परचेज कर लिया? सर वो तो आपका डायरेक्टर्स ने परचेज कर लिया, फ्री में तो नहीं लिया ना बच्चे। अरे डायरेक्टर्स हैं, रिलेटिव से कोई भी लेगा पैसा ही तो देगा। तो एक काम करो, पहली एंट्री बोलना यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा बताओ शेयर्स अगर हम डायरेक्टर्स देंगे तो क्या उसका नाम लिखते हैं? नहीं सर, आप किसी को भी शेयर दो, कंपनी बोलती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे आप, है ना। अच्छा बताओ शेयर्स इशू हुआ था किसी पे? सर शेयर्स इशू किया गया था प्रीमियम पे, तो आप बोलेंगे टू प्रीमियम जी, यानी कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपने यहाँ पे बोला टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई बात समझ में? सर हाँ बताओ ना क्या करेंगे सर, कुछ तो नहीं करना। आपने 1 लाख शेयर्स जो इशू किया था और 11 रुपये के हिसाब से डायरेक्टर्स को, वो 11 लाख रुपये बैंक में चले गए, उसकी एंट्री अलग कर दे रहा हूँ। 1 लाख इंटू आपका 10 रुपये, यानी कि 10 लाख का अमाउंट चला गया कैपिटल के आगे, और 1 लाख इंटू आपका एक लाख चला गया प्रीमियम यहाँ पे आपका। लिखो यहाँ पे बींग हमने कहा यहाँ पे शेयर्स, कितने शेयर्स लिख दो, 1 लाख शेयर्स सोल्ड टू डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स। शॉर्ट में हमने ये काम कर दिया जी, काम पूरा। अब एक काम करो, उन शेयर्स की एंट्री करो जिन शेयर्स का पैसा आपके पास आया है, किससे? सर वो पब्लिक से। तो कितना हो गया आप बताओ, 9 लाख शेयर्स में से जरा बताओ कितने शेयर्स नहीं बिके? सर 9 लाख में से मार्क्ड जो है, अनमार्क्ड जो है वो 7 लाख थे, और मार्क कितने थे जी, जरा ऐड करना, ये कितना हो गया देखो जरा मार्क्ड, तो 1,19,500 प्लस आपका 57,500 और प्लस आपका 10,500, ये हो गया बच्चे 1,87,500, 1,87,500, तो ये दोनों मिला के आपका हो गया 8,87,500। इतने शेयर्स का पैसा पब्लिक ने दिया है, और ध्यान रहे इस बात का कि इन शेयर्स में वो शेयर्स भी मिले हुए हैं जो कि अंडरराइटर्स ने अपने लिए परचेज किया था, फर्म अंडरराइटिंग वाला बच्चे, फर्म अंडरराइटिंग वाला, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स को अनमार्क के रूप में ही ट्रीट करना है, पब्लिक के साथ ही ट्रीट करना है, इसलिए मैं जो शेयर्स आपके अपने लिए थे उनका पैसा हम पब्लिक के साथ ही लेंगे। सिर्फ इन शेयर्स का पैसा हमें क्या करना, अंडरराइटर्स से अलग से मंगाना है, बाकी जो ये शेयर्स थे बच्चे फर्म अंडरराइटिंग वाले, वो ऑलरेडी इसके अंदर मिला हुआ, पब्लिक से पैसा मंगाएंगे पब्लिक के साथ आपका। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, अगला एंट्री होगा जी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने बोला यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड टू आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना, बताइए कितना। तो सर आप बताओ ना, तो देखो आपका कितना लिखा था जी 887, आपने लिखा 887,500 इंटू 11, ध्यान रखना इसमें क्या क्या मिला हुआ जी, मार्क्ड अनमार्क्ड एंड फॉर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि ये इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बच्चे, उनका पब्लिक के साथ ही सब कुछ होगा, तो उनका पैसा भी पब्लिक के साथ ही आया होगा, सब कुछ मिला के आपका, हम अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपका। और यहाँ कितना हो जाएगा 887,500 इंटू आपका 10, और यहाँ हो जाएगा जी 887,500 इंटू आपका 1, बताइए कितना आ गया, बोलिए कितना आ गया। तो सर ये ऊपर वाला आ गया 887,500 इंटू आपका 11, ये हो गया सर 97,62,500, ये कितना आ गया 887,500, और ये कितना आ गया 887,500 आपका, ये भी काम हो गया जी, ये भी काम हो गया बच्चे, ठीक है। लिखो यहाँ पे बींग
8,87,500 shares sold to public, including इसमें मिला हुआ है आपका firm underwriting वाला, क्योंकि firm underwriting यानी कि जो shares आप लोगों ने खुद मांगा है, हम उसका पैसा आपसे अलग से नहीं लेंगे, वो public के साथ ही देना पड़ेगा, इसलिए वो public के साथ जो shares है उसके अंदर मिला हुआ बच्चे। आपने ये काम कर लिया जी, अब तीसरी एंट्री पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, जिन शेयर्स को आपने परचेज करना होगा, याद है एक क्वेश्चन किया था हमने जहाँ पे इसमें हमने फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स को ऐड किया था बच्चे, वो काम यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पब्लिक के साथ ही आपको आना है। बस इनका पैसा क्या करो, इनको इनसे अलग से मंगा लो आप इनका पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, चेक कीजिए आपका थर्ड में, हमें एक्स को डेबिट करना है, एक्स से पैसा लेना है और हमें जेड को डेबिट करना है। बताओ एक्स से कितना, तो 4000 शेयर्स पे, बोलिए रेट क्या है, रेट सर 4000 शेयर्स पे आपका 11 रुपये इनसे लेना है और 8500 शेयर्स पे आपसे भी लेना है 11 रुपये का अमाउंट। ये कितना हो गया 44000, ये कितना हो गया जी, तो 8500 इंटू आपका 11, ये हो गया बच्चे 93500। टू बताइए क्या करेंगे, तो सर टू आपने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, जो शेयर्स नेट लायबिलिटी वाले जो आपसे लिया जाएगा एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। चलो बताओ दोनों कितना हो गया, सर ये दोनों हो गया 12500, तो 12500 शेयर्स इंटू आपका 10 और 12500 इंटू आपका यहां पे 1, तो कितना हो गया जी 1,25,000 और ये कितना हो गया 12,500। ये काम खत्म हो गया बच्चे। तो आपने लिखा जी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन नेट लायबिलिटी, नेट जो लायबिलिटी बनी जी जिनको आपने खुद परचेज करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट, हमने क्या किया उनका पैसा आपसे हमने डिमांड किया, ठीक है सर। हाँ जी, अब जरा आ जाओ इसके बाद चौथी एंट्री जी, आप इनसे पैसा रिसीव करो, मैं इसको मिटाऊंगा, जो आपने ड्यू किया उसका पैसा रिसीव करो आप, फटाफट लिखिए, फटाफट खत्म होने वाला आपका काम। तो आपने क्या किया फोर्थ में, आप बोलना बैंक अकाउंट डेबिटेड और आपने क्या बोला जी टू यहां पे एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड टू आपने बोला यहां पे वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना सर। हाँ तो चलो बताओ दोनों को मिला के कितना अमाउंट हो गया, सर एक से 44 आना था और वाई से 93500, दोनों मिला के आपका हो गया 137500, 137500, ये भी एंट्री हो गया जी। पांचवी एंट्री कमीशन का करो आप काम यहां पे, तो अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट को आप डेबिट कीजिए और जरा बताओ ये कमीशन किसको मिलना है, सर तीनों को, यानी कि टू एक्स टू वाई एंड टू जेड आपका। एक्स का कमीशन है 128,700, वाई का जी 49,500 और जेड का मेरे बच्चे 19,800 रुपये का अमाउंट। बोलिए कितना आया, 128,700 प्लस 49,500 प्लस 19,800, तो ये आ गया 1,98,000। ये हो गया बीइंग कमीशन ड्यू किया आपने, ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। आइए अगली एंट्री में, अब हम क्या करेंगे पांचवी एंट्री में, सिक्स एंट्री में, इनको इनसे पैसा ले लो जी, पे कर दो आप, तो एक्स वाई जेड टू बैंक अकाउंट, इनका कमीशन हमने क्या किया पे कर दिया, डेबिट 128,700, 49,500 और 19,800 और ये 1,98,000 का हमने पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म होगी बात। मैंने कहा ना नया कुछ हो ही नहीं सकता, जितनी सारी बातें थी वो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्वेश्चन कभी सीएमए आया था बच्चे, ये क्वेश्चन आया था आपका 16 मार्क्स का, आपको विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर में, नहीं सर। तो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, जरा क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन फटाफट देखिए, कुछ नया बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 16 मार्क्स का था, सीए 2001 मई में क्वेश्चन आया था बच्चे, मई में
पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 8 क्वेश्चन जल्दी पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रिजोल्व टू इशू 10 लाख शेयर्स 10 रुपये वाले प्रीमियम ऑफ 1 रुपये पर शेयर। 1 लाख शेयर्स कहता है कि इशू किया गया डायरेक्टर्स को, दे रिलेटिव एसोसिएट्स फ्रेंड्स आपका एंटायर अमाउंट लेना जी स्टार्टिंग में, रिमेनिंग शेयर्स पब्लिक को दिया गया और कहा गया कि भैया पेमेंट करना एप्लीकेशन के साथ। इशू एक्स वाई जेड ने अंडरराइट किया 2% कमीशन पे इशू प्राइस का, 65% कहता है कि एक्स ने वाई जेड ने, सेम क्वेश्चन निकल के आ रहा है। फॉर्म अंडरराइटिंग कहता है कि 30, 20 और 10 हज़ार शेयर्स का होगा। अंडरराइटर्स वे टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अनरिटन फॉर्म विद फुल एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विथ मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक आपका, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया बुक में और कुछ खास नहीं। तो देखो अब इस सब बातें क्यों बताओ, आपको आता है। बस मैं चैप्टर को एंड करता हूँ एक छोटे से पॉइंट के साथ। याद करो हमने कहा था कि मेरे बच्चे जो कमीशन हम निकालते हैं ना वो होता है आपका ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कहा था ना आपको, कहा था ना मैंने, हाँ जी सर कहा था, लेकिन रखना याद जब कुछ ना बोले तो। अगर क्वेश्चन कह दे नहीं भैया कमीशन इस पर ही निकालना है या यही रेट होगा तो फिर वही काम करना पड़ेगा। बात मान रहे आप सर कहना क्या चाहते हो। जैसे देखो ना क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ 9th में आप नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 लाइन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 का नीचे से 5वां लाइन सर क्या है पढ़ो तो, अंडरराइटर्स आर एलिजिबल, 9th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप नीचे से 5वां लाइन, अंडरराइटर्स आर एलिजिबल फॉर ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। लो इसने खुद कह दिया इशू प्राइस पर नहीं निकालना, फेस वैल्यू पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फेस वैल्यू पे ही निकालूंगा जी। अगर इशू 11 पे बाद नहीं करना इंटू 10 ही करूंगा मैं हमेशा, आपका कॉमन सेंस है, जब बोलेगा तो वही काम करेंगे, झगड़ा थोड़े करना क्वेश्चन के साथ, ना बोले तो जो मैंने बोला था वो काम करना आपने। आई बात समझ में सर? हाँ जी सर, हाँ जी। और कुछ इसमें अब कुछ है नहीं बच्चे, आप इस बुक के सारे क्वेश्चन को ट्राई करें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा डाउट्स लेने के लिए आपका, बट ऐसा सवाल आएगा नहीं कि आपको कोई परेशानी होगी। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, ऑल द बेस्ट।